बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज, श्री जियावर धाम के स्वामी श्री लालदासी महाराज, तीनों पुरी धाम, बोल बोल पंजे बा, श्री समस्त सुंदर प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को, धनी न छुड़ा अयोछी, लाकतली लाल एडिया, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों, पलन वाड़ू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन, प्रीतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार, सर्वशोभा देने योग्य हो, श्री लीला नित्य विहार, श्री लीला नित्य विहार। बोलिए श्री प्राणनाथ। प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर शाह जी, सबसे प्रथम तुम्हारे सी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणदार सुंदर शाह जी, कल के प्रसंग में हमने लगातार 7 दिन तक हमने पहला नंबर वाला प्रकरण राजाओं का, उसके बाद जो त्रिधा लीला का पूरा विस्तार से वर्णन हमने सुना। धामधनी ने वाणी के सिद्धांतों के आधार पर वर्ण बताया है। हमारा 3 ब्रह्मांड, 6 दिन और 4 लीला। कितना ब्रह्मांड? 3 ब्रह्मांड अलग अलग समय पर हुआ। तीनों ब्रह्मांड की रचना अलग अलग समय पर हुई। तीनों ब्रह्मांडों में लीला भी अलग अलग हुई और तीनों ब्रह्मांडों की रचना में पहला वाला ब्रज का ब्रह्मांड, दूसरा वाला रास का और तीसरा वाला जागनी का। तो आज हम तीसरे ब्रह्मांड में उतरेंगे। कहाँ उतरेंगे सुंदर साथ जी? तीसरे ब्रह्मांड में। 2 ब्रह्मांड की रचना और 2 ब्रह्मांड की लीला हमने पूरी कल पूर्ण की। पूरी लीला विस्तार से जानी, सुनी और चिंतन मनन स्वाध्याय भी किया। तो अभी मैंने बताया कि 3 ब्रह्मांड, 6 दिन और 4 लीला, ब्रज रास और जागणी। 3 ब्रह्मांड, 6 दिन, पहला वाला ब्रज का, दूसरा वाला रास का, तीसरा वाला श्री मोहम्मद साहेब, चौथा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, पांचवा श्री प्राणनाथ जी ने, छठा सुंदर 7 ब्रह्मात्माओं का दिन और 6 दिन में, और मैं अभी बताया कि 4 लीला। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला, चौथी घर की, चारों का या में भोग। पहली ब्रज की, दूसरी रास, तीजी जागनी और चौथी जो घर की, ये तीसरी वाली सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और चौथी धाम में पाँचवें दिन और ब्रह्मात्माओं की लीला कर कर हम सुंदर शाह जी, सातवें दिन में हम अखंड भिष्ट में हमारा जीव, अखंड योगमाया ब्रह्मांड में हमारा जीव अखंड होगा और हमारी आत्मा वापस परमधाम में मूल तन में लौटेगी सुंदर शाह जी। तो ऐसे हमारा 4 दिन की जो चौथी लीला हमारी घर की ब्रज रास और बोला ने अब जाग देखो सुख जागनीय सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की। 3 लीला कहाँ कहाँ खेली गई सुंदर शाह जी? पहले ब्रज में, दूसरी रास में, तीसरे दिन यहाँ। ऐसे तो तीसरे दिन में मोहम्मद साहिब आए, आज जो हम अवतरण करेंगे सुंदर शाह जी तीसरी लीला का हम आज ज़्यादा तो नहीं थोड़ा सा वर्णन देखेंगे क्योंकि दिल्ली के प्रसंग में बहुत विस्तार से वर्णन आ जाएगा तीसरे दिन का, मोहम्मद साहिब का तीसरे दिन का तो दिल्ली के प्रसंग में बहुत विस्तार से आएगा, तो आज हम थोड़ा ही देखेंगे। तो तीसरे दिन में ब्रह्मात्माएँ नहीं आई थी तो ज़्यादा सुंदर शाह जी जो साक्षियाँ लिखी शरीयत तरीक़त और हकीकत के रूप में हरफे मुक्तियात का वर्णन किया, मार्फत का वर्णन मोहम्मद साहिब की ज़ुबान से नहीं चढ़ पाए सुंदर शाह जी, तो कुरान में मार्फती वचनों का अवतरण नहीं हुआ। तो आज हम तीसरे दिन में जाएंगे और चौथे दिन की घर की लीला, तो उसमें जो मार्फत के वचन 30,000 थे वो भी उतर गए और परमधाम के 25 पक्ष का संपूर्ण वर्णन और एक एक कण का और एक एक कुचे का बातुनी जो राज्य महाराज के दिल का जो एक हमने वहाँ पूर्ण पहचान परमधाम ने नहीं की थी वो पूर्ण पहचान के साथ जो ज्ञान उतरा सुंदर शाह जी वो घर का, तो वो चौथे दिन की लीला है। तीसरे दिन में सतगुरु धनी सिंह देवचंद्र जी को ले लेना, मोहम्मद साहब तो हमसे पहले आ गए थे, और 5वें दिन में श्री प्राणनाथ जी और 6ठे दिन में हम सब सुंदर साथ। तो हम आगे बढ़े सुंदर साथ जी। कल ब्रज और रास का दिन पूरा हुआ, रास के योग माया ब्रह्मांड में हमने विस्तार से जो लीला देखी वो लीला खेलने वाले कौन थे सुंदर साथ जी? हम ब्रह्मात्माएँ सब थी ना, हम आत्माएँ तो थी वहाँ रास खेलने वाली, और रास खेलने के बाद हम परमधाम में परत वापस लौटी और उसके बाद आज चौथे दिन में जागनी ब्रह्मांड में आएंगे। उससे पहले मोहम्मद साहिब का तीसरे दिन का वर्णन थोड़ा हम कर लेंगे तो सुंदर साथ जी। लेकिन बीच की हमने एक और भी लीला देखी कल, त्रिधा लीला समझी ने हमने कल। त्रिधा लीला में जब हमारी सुरताएँ परमधाम में वापस लौटी मूल तन में, हमारा नूरी तन सबली के महाकारण में अखंड हो गया, राज्य की आवेश शक्ति भी मूल तन में वापस गई, हमारी मूल शक्तियाँ 12,000 परमधाम में परातम में वापस लौटी, और नूरी जो श्री कृष्ण का तन था बांके बिहारी और रास बिहारी कृष्ण का वो शक्ति यहाँ जो प्रतिबिंब की लीला हुई। मैंने कल भी बताया जो भागवत में शुकदेव मुनि ने जो प्रतिबिंब की लीला लिखी वो असल लीला का वर्णन शुकदेव मुनि भागवत में नहीं कर पाए, तो यहाँ की जो गोकुल मथुरा की, यहाँ की जो ब्रज और गोकुल की जो लीलाएँ हुई सुंदर शाह जी उसमें प्रतिबिंब की लीला हुई, उसमें 11 दिन की हुई, 7 दिन की गोकुल की, 4 दिन की मथुरा की। 4 दिन में मथुरा की लीला पूर्ण कर कर कल हमने पूरा विस्तार से सुना कि पूर्ण कर कर कहाँ चले गए श्री कृष्ण जी? द्वारिका चले गए, और द्वारिका में मथुरा और द्वारिका को मिलाकर 112 साल की लीला पूर्ण की। अंतिम में हमने देखा कि द्वारिका लीला में सुंदर शाह जी के माधवपुर के मांडवे जहाँ शादी हो रही थी रुक्मणी की, उसकी शादी तो शिशुपाल के साथ होने वाली थी सुंदर शाह जी, लेकिन रुक्मणी का हरण कर कर श्री कृष्ण जी ने माधवपुर के मांडवे उसके साथ विवाह किया। और एक लीला और भी घटित हुई थी, हमने अंतिम में कल थोड़ी देर भी हो रही थी तो नहीं जाहिर की थी, आज जोड़कर हम ये लीला को पूर्ण करें तो कल की याद भी आपके अंदर पूरी लिंक जोड़ जाएगी सुंदर शाह जी। जरासंध ने हम एक पौराणिक मान्यता के आधार पर या शास्त्रों के आधार पर हम समझते आ रहे, पौराणिक मान्यता के आधार पर सुंदर शाह जी धर्मशास्त्रों के आधार पर कि 16,108 पटराणी श्री कृष्ण जी की थी ने, ये हम सुनते आ रहे हैं। वो उसकी अपनी पत्नी पहले नहीं थी, लेकिन जरासंघ ने इतनी युवतियों को, इतनी महिलाओं को कैद करके रखा था, अपने कारागृह में, बंधन में कैद करके रखा था। उसको जब जरासंघ को भीम द्वारा मारा गया ने, जरासंघ को किसने मारा? भीम ने मारा। भीम और अर्जुन को लेकर श्री कृष्ण जी कल यहाँ गए ना जरासंघ की राजधानी में, तो वो युवती को छुड़ाया, बंधन से छुड़ाया। तो युवतियों को बोला कि जाओ अपने अपने घर वापस लौटो, लेकिन युवतियों ने बोला, वो महिलाओं ने जो 16,108 पटराणी थी, उसने बोला कि आपने हमको कैद से छोड़ा है, हम सबको कैद से आपने छोड़ा है, जरासंघ के बंधन से, तो हम घर में जाकर क्या करेंगे? हम तो आपको मन से वर चुकी है, मन से वर चुकी है। तो ऐसे उसने स्वीकार किया, कृष्ण जी ने, वो अपने घर में वापस नहीं लौटी। तो ऐसे ही 16,108 पटराणी की हम बात सुनते हैं। तो अंतिम में हमने ये लीला, द्वारिका लीला भी देखी। वहाँ तो फिर हम एक चैत्र मास में कहीं ओखारण, अनिरुद्ध, ओखा, उषा की बात आती है ना, उसको ओखा बोलते हैं, ऐसे नाम तो ओखा नहीं है, उषा है उसका नाम, जो हमने पहले दिन राजाओं के वर्णन में सुना था। सुंदर सा जी सुना था ना नाम सब उषा का सब। तो उषा और उसका पुत्र है बद्युमन, अनिरुद्ध पौत्र, ऐसा सब नाम हमने सुन लिया था। तो उसमें विस्तार में हम नहीं ज़्यादा जाएंगे, हम आगे बढ़े। सुंदर सा जी तो रास लीला खेल के बरा रबाए श्याम, 63 वर्ष वहाँ लीला करी, वायदा किया उस ठाम। जो रास लीला योग माया केवल ब्रह्म में जो खेली गई सुंदर साथ जी, तो वहां कौन कौन सी शक्ति थी? मैं 2-3 दिन से आपको याद दिला रही हूं। कौन कौन सी शक्ति थी ब्रज और रास में? विष्णु भगवान के जीव ने जन्म लिया, और गौलों की शक्ति, और राज्य के जोश आवेश, और अक्षर की आत्म। फिर मैंने यह भी बोला कि यहाँ जो लीला हुई गोकुल मथुरा की, वहाँ राज्य के जोश आवेश और अक्षर की आत्म का आना नहीं हुआ। सिर्फ बाके बिहारी रासेश्वरी जो शक्ति थी, वही शक्ति सिर्फ यहाँ आई सुंदर सा जी। लेकिन जो रास खेलने के बाद मूल तन में वापस हम लौटे, उसके बाद अरब की धरती पर तीसरे दिन में जो मुस्तफा बेग नाम का तन का जन्म हुआ सुंदर साजी अरब की धरती पर, उसमें राज्य का सिर्फ जोश आया। कौन आया? राज्य का सिर्फ जोश, आवेश नहीं आया, क्योंकि आवेश की शक्ति की लीला तहाँ होती है सुंदर साजी के जहाँ ब्रह्मात्माएं और अक्षर होते हैं, जहाँ अक्षर की 24,000 कुमारिकाएँ या और संसार की बेहद के कोई आत्माएँ या संसार के जीव के सामने ब्रह्मात्माएँ की कभी लीला नहीं होती, और राज्य के आवेश की भी कभी लीला नहीं होती। तो अरब की धरती पर सुंदर सा जी हमारा आना नहीं हुआ। तीसरे दिन में धामधनी ने सनंद में भी बता दिया कि क्या बताया, रूहे इत आई नहीं। तो यो करी शरत कहिया खुदा हम इत आवशी फरदा रोज क्यामत। तभी रूहे आई नहीं थी। कौन रूहे? मतलब हम ब्रह्मात्माएं। तीसरे दिन में हम ब्रह्मात्माएं कहाँ नहीं आई थी? अरब की धरती पर। तो वाणी उतरने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, और राज्य को आने की, क्योंकि जहाँ ब्रह्मात्मा है वहाँ राज्य को आना पड़ता। जहाँ ब्रह्मात्माएं नहीं है, सुरताएं हमारी ब्रह्म सृष्टियों की नहीं है, तो वहाँ राज्य का आना कोई जरूरी नहीं है सुंदर सा जी। तो वाणी की उतरने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और सुंदर शाह जी ये भी कहा कि हकीकत मार्फत की कौन आगे करे बयान। तो हकीकत और मार्फत को जाहिर करने की ज़रूरत भी नहीं थी उस टाइम पे। तो तीसरे दिन में सिर्फ राज्य का जोश और अक्षर की आत्म में बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपके दिल में समझ में आ जाए कि तीसरे दिन में राज्य के आवेश को आना नहीं हुआ, सिर्फ राज्य के जोश और अक्षर की आत्म। मोहम्मद साहिब के अंदर सुंदर शाह जी मुस्तफा बेग अब्दुल्ला के लड़के अब्दुल्ला के लड़के, उसका नाम पड़ा मुस्तफा बेग। और उसको मोहम्मद साहिब क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति आई वो हद से परे, बेहद और बेहद से भी परे अक्षरातीत दिव्य परमधाम राज्य के जोश की शक्ति आई और उसकी महिमा सबसे परे थी। उसके साथ किसी की महिमा हम सेम नहीं कर पाते, वो महिमा से परे है, सौंदर्य से परे है उस शक्ति की लीला और उसकी शोभा। इसलिए सुंदर शाह जी उसको मोहम्मद कहा गया, मोहम्मद साहेब कहा गया। मोहम्मद उसका नाम नहीं है। तो उसका उस धरती पर अवतरण हुआ, अरब की धरती पर। जब मोहम्मद साहेब अरब की धरती पर आए उस टाइम पे वहाँ पूरा जो अरब की धरती का जो माहौल था, वहाँ का वातावरण था सुंदर साथ जी, वो पशुवृत्ति का था। कैसा था? पशुवृत्ति। वहाँ मानव नाम की कोई चीज भी नहीं थी, सब पशु के समान थे तो मानव, लेकिन अंदर की वृत्तियाँ कैसी थी? पशु के समान थी। वहाँ शराब चरम सीमा पर पहुँचा था, वहाँ मांस चरम सीमा पर पराकाष्ठा पर पहुँचा था। वहाँ किसी के अंदर मानवता नाम की कोई अंदर सुगंधी भी नहीं थी। उस टाइम पे मोहम्मद साहिब का आना हुआ। सुंदर शाह जी अब्दुल्ला के घर पे पुत्र के नाम से, मुस्तफ़ा बेग के नाम के तन से जन्म लिया। और सुंदर शाह जी उस टाइम पे मोहम्मद साहिब ने क्या किया अरब की धरती पर? तो अरब की धरती पर उसने एक खुदा ताला, एक अल्लाह ताला का संदेश दिया और सबको मूर्ति पूजा से हटाया। वहाँ क्या था? इतनी मूर्तियों की पूजा हो रही थी, इतनी जड़ मूर्तियों की पूजा सुंदर शाह जी उस टाइम पे हो रही थी। मैं मूर्ति के बारे में आज आगे बताऊंगी जब देवचंद्र जी की लीला आएगी, जब मूर्ति के मंदिर में और जब परिक्रमा कर रहे हैं न पिंगल श्याम की मूर्ति के मंदिर में, तभी मैं विस्तार से लूँगी। लेकिन यहाँ थोड़ा इशारा संकेत करूँगी कि जड़ मूर्ति की पूजा कब से शुरू हुई। सुंदर शाह जी जब हमारा महाभारत का समयकाल पूरा हुआ, आज से 5000 साल पहले, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। यूपी की ओर हम जाते ना, हरियाणा में, वहाँ कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का सुंदर शाह जी जब युद्ध हुआ और उसके बाद जो वाम मार्गियों का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा बढ़ गया और पौराणिक मान्यताओं का भी प्रचलन शुरू हो गया और अवतारवादों ने इतना पोषण किया, जो अभी वाम मार्गियों का जो जड़ मूर्ति पूजा आज संसार में बहुत प्रचलन है ने प्रचार प्रसार, आज मान लो कि 100% संसार के जीवों में से 100%, समझ गए मेरी पूरी बात? इतने संसार के अलग अलग मत पंथे, मैंने पहले दिन भी या दूसरे दिन भी बताया था कि सिर्फ हिंदू जाति, सिर्फ हिंदू समाज में, जाति नहीं, हिंदू समाज में 1000 पंथ है। कितने? 1000 पंथ है। बौद्ध, जैन, क्रिश्चन, सिख, पारसी, ताओ, कॉन्फ्यूशंस, वो तो छोड़ दो, सिर्फ हिंदू में 1000 मत पंथ है। और 700 तो ऐसे संप्रदाय है कि उसका कोई मूल भी नहीं, अस्तित्व भी नहीं। कल भी एक कोई दीदी, मैं जब मंच से नीचे उतरी तो मेरे पास आकर एक बात करने लगी कि दीदी एक मत पंथ की कोई बात कर रहे थे, उसका नाम तो दिया मैं भूल गई हूँ। उसने बोला कि वो हमारी जैसी बात करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और ये संसार छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। बात तो हमारी जैसी कर रहा है लेकिन उसका कोई मूल के कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी बात को जोड़ दिया, अपने संप्रदाय के साथ जोड़ दिया और जो संप्रदाय में कोई महापुरुष हुए उस विचारधारा से हमारे विचार को जोड़कर हमारी बात करने लगे। लेकिन उसका कोई मूल, कोई आराध्य, कोई उसका इष्ट के कोई धर्मशास्त्र ये मूल में है नहीं। तो ऐसे 700 संप्रदाय है। कितने हैं? 700, जिसका कोई मूल ही नहीं है। 1000 मत की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ हिंदू में। और जो मैं मूर्ति की बात मैंने आधी छोड़ी, ये बात मैं आगे आगे लूँगी, जो अभी यहाँ लूँगी तो मोहम्मद की बात में हमारा 2 घंटे ऐसे ही पसार हो जाएगा, 1 महीने के बीच तक नहीं है, नहीं तो मैं तो लंबा चौड़ा प्रसंग लेती। लेकिन ये लोगों को बोलो, बोलिए श्री प्राणनाथ। उसने 20 दिन का रखा, मैं क्या करूँ, इतना लंबा तो मैं कह ही नहीं पाती। हाँ, जितना हो पाएगा, जितना धनी प्रयास करवाएंगे, उतने हुक्म से इतना धामधनी आपके सामने हुक्म से बात रखेगा। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ प्रसंग आता जाएगा वहाँ मूर्ति के बारे में समझेंगे। और सुंदर सा जी, मैं अपनी घर की बात नहीं जोड़ूंगी क्योंकि आज और सभी मत पंथ वाले और आत्माएं भी आई है। वो अपनी आस्था, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपने आराध्य इष्ट पर जो भी हो आप अपनी रखो, मेरा अधिकार छुड़वाने का नहीं है। लेकिन हाँ, सत्य कहने से मैं कभी भी डरती नहीं हूँ। सत्य में सभी धर्मशास्त्रों के प्रमाण देकर आधार माध्यम बनाकर मैं कहूँगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण लेना है, कर की बात तो मिलान करनी भी नहीं है। सुंदर साथ जी, तो मैंने अभी छोड़ी बात कि महाभारत काल के बाद जब ये वाम मार्गियों मूर्ति पूजा वाले का इतना प्रचलन शुरू हो गया, इतना प्रचलन शुरू हो गया कि 5000 साल हुआ ना उसको, तो उसके बाद भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने बहुत प्रयत्न किए, तभी गौ में यज्ञ, अश्व में यज्ञ, नर में यज्ञ, ऐसे कई यज्ञ हो रहे थे। उसको छुड़वाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन सुंदर साजी जो सत्य था, जो सत्य था वो ढक गया। और जो व्यक्ति विशेष और गादी विशेष, ऐसे मनुष्य विशेष, ऐसे ये लोग फंस गए। समझ गए मेरी बात? जो सत्य था वो छिपा दिया। मैं आपको समझाऊं, आपको समझ में नहीं। मान लो ये वाणी है, वाणी सत्य या गुरु सत्य? प्राणनाथ की वाणी सत्य ने, भले गुरु ने ज्ञान दिया, दीक्षा दी, लेकिन किस में से दिया? उस ज्ञान से दिया ने, माध्यम तो ज्ञान को बनाए ना प्राणनाथ की। समझ गए? तो हम गुरुवाद में, मान लो सुंदर साथ को सिर्फ ले लो, हर मतवाद पंथ वाले अपनी अपनी बात को समझ ले। सुंदर साजी, तो हम गुरु को ही राज्य मान ले या कोई अन्य मत पंथ वाले अपने अपने गुरु को ही परमात्मा मान ले, मान लो, तो ये सत्य है या झूठ? गलत है ना? समझ गए? आराध्य इष्ट और धर्मग्रंथ अलग चीज़ है, ये अलग वस्तु है। गुरु है, ये अलग चीज़ है। तो ये लोगों ने गुरु, गद्दी और एक स्थान या व्यक्ति विशेष, ये लोग बंध गए। समझ गए मेरी बात? तो आज संसार में जो अलग अलग मत संप्रदाय चल रहे हैं, वो लोग कोई व्यक्ति विशेष बन गए ना गुरु सदगुरु में। देखो, मूल धर्मग्रंथ, मूल सिद्धांत, मूल पद्धतियाँ, उसको भूल गए। खो कहाँ गए? गुरु में, सदगुरु में। आप देख रहे हैं ना हम संसार के मत पंथों में कि हमारा गुरु ये, हमारा संप्रदाय ये, बोलते ना हम, हमारा संप्रदाय ये, हमारा गुरु ये, हमारा स्थान ये। एक संप्रदाय की एक छोटी सी परिधि में हम बंध गए, एक संकीर्णता में हम बन गए, एक संकुचितता में हम बन गए, हमारी एक मानसिकता बन गई, हमारा दिल विशाल नहीं बना। आज हर मत पंथ की यही स्थिति है। सुंदर साथ जी, मैं सबको समझा रही हूँ, एक संप्रदाय में मत बंधो। समझ गए? परमात्मा संसार के पूरे मत पंथों के लिए आए हैं। समझ गए मेरी बात? कोई एक जीव के, ये एक मत के लिए, एक संप्रदाय के लिए नहीं आए है परमात्मा। क्या यह सिर्फ हिंदुओं का है परमात्मा? क्या सिख का नहीं है ये परमात्मा? क्या बौद्ध का ये परमात्मा नहीं है? क्या क्रिश्चियन का ये परमात्मा नहीं है? क्या पारसी, ताओ और जैन का नहीं है परमात्मा? क्या मुस्लिम का ये परमात्मा नहीं है? सबका है ना परमात्मा। जो सबका होता है, एक का पति बनता? कभी भी बनता? जो एक का पति हो सबका बनता। मान लो आप एक का पति है, या कभी संसार का सबका पति बनता? जो सबका पति बनकर आया है संसार के, जो एक परमात्मा, वो कभी भी एक जीव या एक संप्रदाय या एक व्यक्ति विशेष या एक गद्दी विशेष या एक गुरु विशेष की संकीर्णता में ये परमात्मा कभी भी बंधते नहीं है। सुंदर शाह जी, वो तो सागर के स्वरूप है, सभी नदियाँ उसमें समाहित हो जाती है। आज हम छूत अछूत, कई कर्मकांड, कई आडंबर, आज कैसे में कई मतपंथ पड़े हैं ना, बाह्य कर्मकांडों में, आडंबरों में। परमात्मा कभी भी सुंदर साथ जी छूत अछूत में नहीं आते। कबीर जी ने भी कहा जो किसी का पूत होता है वो सबका परमात्मा नहीं, जो सबका परमात्मा है वो किसी का पुत नहीं। जो सबका परमात्मा बनकर आया वो कभी भी किसी के गर्भ में पुत्र बनकर नहीं आता। जो किसी के गर्भ में पुत्र बनकर चाहे अवतार में कोई भी आया हो वो सबका परमात्मा नहीं बनता। तो इतना ही समझ लो कि परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में परमात्मा कभी भी किसी के गर्भ में नहीं जाता है। तो आज संसार के सभी मत पंथ ऐसे गुरु में, गद्दी में, व्यक्ति विशेष आज ऐसी संकीर्णता में, मानसिकताओं में सब बन गए हैं। सुंदर साथ जी परमात्मा सबका है, हमारा एक का नहीं है। कभी भी मत पंथ की विशेष परिधि में बांधा नहीं जा सकता। ये हम बोलते हैं ना कि वाणी सब संसार को अखंड करने के लिए आइए सुख शीतल करूँ संसार। पूरा संसार का जीवों के अखंड करने के लिए मैं तो हर मंच में यहाँ से पुकार करती हूँ, भले चाहे आज कोई आत्मा इस चरण में आए या न आए। मैं वाणी की जब महत्ता आएगी तभी मैं बताऊंगी विस्तार से, लेकिन एक दिन इस वाणी के चरणों में पूरे संसार के जीवों को आना पड़ेगा, क्योंकि वाणी पुकार कर कर कह रही है। आज भले अलग अलग मत पंथों में बंध गए सुंदर साथ जी, लेकिन एक दिन तो ये वाणी के चरणों में, क्योंकि प्राणनाथ जी ने बताया कि एक दिन टिड्डी छोटे छोटे जो जीव जंतु है और ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु के रूप में भी ये तन में जब पहचान नहीं करेंगे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ज्ञानमय स्वरूप की, तो छोटे छोटे कीटाणु जीव जंतु के रूप में भी एक दिन ये वाणी के चरणों में संसार के सभी मत पंथों के जीवों को एक दिन आना पड़ेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ। तो उसके लिए सुंदर सा जी मैंने बात आधी छोड़ी कि वाम मार्गियों का प्रचलन चला, मूर्ति पूजा का, जड़ मूर्तियों का पूजा का प्रचलन चला। जैसे जड़ मूर्तियों की पूजा करते करते हमारी बुद्धि में भी जड़ता आ जाती है, क्योंकि मूर्ति जड़ है, हम चेतन है। जड़ मूर्ति उसके पास मांगने से कुछ देने वाली नहीं है, क्योंकि मूर्ति के अंदर कोई चेतनता नहीं है। भाव यहाँ से लिया जाता है या ज्ञान पढ़ने से, उसका स्वाध्याय या चिंतन मनन करने से हमारे अंदर भाव प्रकट होता है। मूर्ति से कोई मन्नत मांगने से या मूर्ति से कोई चीज़ या सांसारिक इच्छाओं करने से मूर्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मैंने बात आधी छोड़ी सुंदर साथ जी कि मोहम्मद साहिब के टाइम पे इतनी मूर्तियों का जोर शोर प्रचलन चल रहा था, तो तभी उस टाइम तो आज मान लो कि 1400 साल हुए। कितने साल हुए सुंदर साहब जी मोहम्मद साहिब आए इस दुनिया में? क्योंकि हम आए तभी 1000 साल हुए थे, तो हम आए 400 साल हुए ना इस संसार में। अभी हम लीला लेंगे चौथे दिन की, तो 1400 साल हुए। मैं आपको 5000 साल के अभी तक के बीच में क्या क्या घटना घटी ने उसके बारे में समझाने जा रही हूँ। तो उसके बाद बुद्ध और महावीर स्वामी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके अनुयायियों ने, चाहे तीर्थंकर वाले अनुयायी है या भगवान बुद्ध के मानने वाले भिक्षुक लोग हैं, उसने बस मूर्ति में पड़ गए। आज देखो जैन लोग हैं तीर्थंकर, आज कितनी प्रासाणों की जो मूर्तियाँ बनाकर आप जाएंगे ना उसके जो जैन मंदिरों में, पालीताना में बहुत है ना, पालीताना में। और कच्छ की ओर जाए ना तो बीच में भी 72 जिनालय करके सुंदर सा जी 72 जिनालय करके बहुत बड़ा वहाँ जिनालय है। तो सब मूर्ति में पड़ गए और निराकारवाद की इतनी मान्यता छा गई सुंदर सा जी में सभी मत पंथों वालों की। जो आज क्या क्या चल रही है मैं संसार में ये बता रही हूँ, और आपको धनी ने क्या ज्ञान दिया संसार को मुक्ति देने का, और आपके पास ये ज्ञान आया है, और ये प्राप्त करने के बाद मैंने और तुमने क्या किया, मैंने और तुमने क्या किया सुंदर साथ जी। तो मैं आगे बढ़ूँ, और ये लोग मूर्ति पूजा में पड़ गए और नास्तिकतावाद का कि ब्रह्म निराकार है, ऐसे पूरा अंधकार छा गया। ऐसे समय में आप आँख खोलकर सुन लीजिए सुंदर सा जी, ध्यान से सुनिए। ऐसे समय में कुमारिल भट्ट, कौन कुमारिल भट्ट, जो वेदों के विद्वान थे, जो शुद्ध रूप में उसने वेदों ने जाना। सुंदर साथ जी, कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य हुए, उसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन छोटी सी आयु में उसका देहांत हो गया। तो उसने जो अवतारवाद या जो ये पौराणिकवाद से जो मूर्ति पूजा का प्रचलन जोर शोर से बढ़ा हुआ था उसको दूर कर कर जो सत्य ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान वेदों का इस संसार में उतरा, तो हिंदुओं को समझाने के लिए या अन्य मतपंथों को समझाने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया कि हे मनुष्य, हे जीवो, वेदों का ज्ञान वास्तविक है। वेद को पढ़कर आप सत्य ज्ञान को, एक परमात्मा को जानो। इस जड़ मूर्ति की पूजा करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन संसार ने उसकी बातों को अभी प्रचार में तो आई, प्रयत्नों तो किया, लेकिन उस टाइम में बीच में उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। संसार में जितना फैलाव होना चाहिए वेदों का, शंकराचार्य ने जो प्रयत्न किया लेकिन फैलाव नहीं हो पाया। और मूर्ति ने अभी तक इतना जोर पकड़ा है। आप समाज में देख रहे हो कि आज संसार में कितनी जड़ पूजा हर मंदिरों में हो रही है और चारों धाम के चारों मठों में भी कोई जगह लकड़ी की मूर्ति की पूजा हो रही है, कोई जगह पत्थरों की मूर्ति की पूजा हो रही है। आज बड़े बड़े मंदिरों को देखो सुंदर साथ जी। ये मीडियो में जा रहा, मैं एक बात भी यहाँ से मैं गलत नहीं बोल पाती सुंदर साथ जी। में आज सत्य जाहिर करने से मैं अभी भी बोला, मैं डरती नहीं हूँ। आज कितने बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ, ऐसे बड़े बड़े मठाधीशों, शंकराचार्य आज मठों में बैठे हैं और लेकिन वहाँ कोई ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं है। वहाँ पूरा शोर और चहल पहल मची हुई है। वहाँ जाओ और पूछो कि भैया यहाँ कोई विद्वान है, मेरे को इस मंदिर की थोड़ी हिस्ट्री या ज्ञान जानना है। तो वहाँ कोई मंदिर में इस हिस्ट्री, जो मंदिर में मूर्ति बैठी है उसके बारे में कोई ज्ञान जानने के लिए विद्वान नहीं है। वहाँ दान पेटी तो सब मंदिरों में लगी है लेकिन ज्ञान पेटी कोई भी मंदिर में, ज्ञान पेटी कोई भी मंदिर में नहीं है। दान पेटी तो सभी जगह लगी है, वहाँ रखी है, लेकिन ये विद्वान वहाँ कोई नहीं है। मान लो बड़े बड़े मंदिर देखो आज, चाहे तिरुपति बालाजी देखो, चाहे सबरी मंदिर देखो, चाहे पद्मनाभ के मंदिर देखो, चाहे सुंदर साजी मदुराई के मीनाक्षी मंदिर देखो, चाहे द्वारिका मंदिर देखो, चाहे सोमनाथ के शिवजी वाला मंदिर देखो, या चाहे साईं बाबा शिरडी वाला मंदिर देखो, चाहे चार धाम का मठ जो चारों धाम की यात्रा के माध्यम से हम बोलते हैं सुंदर साजी, वो मठों में देखो। हर जगह भले ही मंदिर रहे, भले मूर्ति की, मठों की यहाँ सुंदर साजी पूजा हो रही है, लेकिन वहाँ एक विद्वान तो होना चाहिए। वहाँ कोई ऐसा ज्ञान क्षेत्र या वहाँ कोई ऐसी विद्यालय कोई नहीं खुले कि वहाँ ऐसे विद्वान पैदा हो कि मूर्ति पूजा हटकर सुंदर साजी ज्ञान का प्रचार हो। मैं आज बहुत दुख से या अंतरकरण की पुकार के साथ कह रही हूँ कि प्राणधार आत्माएँ, आज सभी मतपंथ वाले आत्माएँ आई है। आज आपको ऐसा अवसर, मौका ये सुनने के लिए धामधनी ने दिया है। ये कोई निजानंद संप्रदाय को लेकर मैं कभी भी बात करती नहीं हूँ। सबको समझ में आए, सभी आत्मा के अंदर एक ज्ञान का प्रकाश हो, इस माध्यम से धामधनी ने ये 18 दिन का कार्यक्रम रखा गया है सुंदर साथ जी। तो आज मैं आप सब आत्माओं को हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि आप जो आज मूर्ति पूजा की ओर आगे बढ़ रहे हो सुंदर साथ जी, तभी जो आज कई सालों से ये मंदिरों में मूर्ति पूजा चली आ रही है। आज समाज में भी मैं अभी बोला कि मूर्ति पूजा का इतना जोर शोर प्रचलन चल रहा है सुंदर साथ जी, प्रचार प्रसार भी उसका ये हो रहा है। तो मैं एक बात आपको अंतर्करण की पुकार से कह रही हूँ कि आज हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे विद्वान नहीं है। समझ में आ रहा है? चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे वीर हमारे पास नहीं है। एक दिन चाणक्य ने सिकंदर जैसे बादशाह को आज ऐसे उभी खड़े रास्ते पर अपनी पूंछ उठाकर ऐसे निकलना पड़ा था। क्यों निकलना पड़ा था सुंदर साजी? इस देश में ऐसे वीर थे तभी। आज तो मैंने बोला कि जीव के अंदर हजारों जन्मों से ऐसे अज्ञानतामय अंधकार छाए हुए हैं हमारे अंदर। उससे पूर्व जन्म के कई जन्मों के अंदर अंदर हमारे चित्त के अंदर संस्कार बने हुए हैं। एक तो जीव अज्ञानतामय नींद में सोया हुआ है और इस बार भी आकर ऐसी जड़ मूर्ति को बार बार मत्था टेक रहे, बार बार उसकी पूजा कर रहे, बार बार वो आराध्य मानकर उसको भोग लगा रहे, उसकी आरती कर रहे और उसकी परिक्रमा कर रहे। तो उससे क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? एक तो जीव इतनी बेहोशी में बहुत जन्मों से सोया हुआ, गहरी नींद में। मैंने परसों भी बताया था कि अभी 12 घंटे की सोने वाली नींद में नहीं कह रही हूँ, 12 घंटे के बाद तो यहाँ खुल भी जाती है। हजारों साल से शरीर रूपी कब्र में जीव सोया हुआ है। उस जीव को कौन उठाएगा? जब तक हम ये ज्ञान की ओर नहीं जाएंगे, जब तक हम ये ज्ञान को खोलकर, ये ज्ञान को खोलकर उसका ज्ञान का प्रकाश जब हमारे दिल में नहीं आएगा, तब तक हमारी अंदर के जो नेत्र है वो नहीं खुलेंगे और मुक्ति का स्थान और हमारा जो असल ठिकाना है जीव का, ये कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है सुंदर शाह जी। तो मोहम्मद साहिब जब आए, ऐसे ऐसे जो मूर्ति की बात है मैं आती जाएगी, मैं तभी आपको बताती जाऊंगी। तो समाज में आज, और अभी श्रावण मास शुरू होगा ने, कल भी मेरे को एक दीदी मिली थी यहाँ रास्ते में, उसमें घर, मेरे घर में भी आती हो दीदी। तो उसने बोला कि दीदी मैं 3 दिन आऊँगी और पहले 10 दिन तो मेरे 10वां का व्रत शुरू होने वाला है। मेरे को तो पता ही नहीं कि कभी क्या व्रत शुरू होता है। तो मैंने बोला कि 10वां मिस कहते हैं किसको? मैं सच कहूँगी, मैं यहाँ से एक शब्द झूठ बोली ना सुंदर शाह जी तो मैं अपराध या पाप की गुनहगार बनूँगी। मैं कोई बनी बनाई हुई बात नहीं कह रही हूँ। मेरे घर में भी वो दीदी बार बार आती है थोड़ा थोड़ा ज्ञान जानने के लिए। तो उसने मेरे को बोला कि मैं 10वां का, मेरे को 3 दिन के बाद अमास से शुरू होने वाला है व्रत। तो मैंने बोला कि क्या श्रावण मास में शुरू होता है? मेरे को पता नहीं है। तो उसने बोला हाँ, प्रथम 10 दिन शुरू का जो 10 दिन होता है उसमें 10वां का व्रत होता है। तो मैंने उसको बोला कि 10वां की थोड़ी मेरे को हिस्ट्री बताइए ना आप, 10वां कौन है? मेरे को कई बार मंच में थोड़ी बात लेनी है माताजी के बारे में, कोई देवी के बारे में, तो मैं बता सकती ने। तो उसने बोला कि दीदी वो 10वां कौन है मेरे को पता नहीं है। सच कह रही हूँ सुंदर शाह जी, मैं एक शब्द आगे पीछे नहीं जोड़ूंगी, मैं 1000 बार पाप की गुनहगार बनूंगी। तो फिर मैंने उसको बोला कि उसके बारे में आप नहीं जानती हो तो आप किसका व्रत कर रही हो? फिर मैंने आगे बोला कि 10वां का व्रत कर रही हो, चलो आप जानती तो नहीं हो, लेकिन वो करने से आपको क्या पुण्य मिलेगा, क्या फल प्राप्त होगा? तो उस बिचारी इतनी बोली है। तो उसने बोला दीदी ने कि मेरे को यह भी पता नहीं है कि क्या पुण्य मिलेगा, क्या फल मिलेगा दीदी, तो आप बताइए ने। तो मैंने बस इतना ही उसको जवाब दिया कि दीदी आप जिसका कर रही हो उसका भी आपको पता नहीं कि वो 10वां कौन है, किसकी लड़की है, किसकी पुत्री है, उसके माता पिता कौन है, वो किस परंपरा में आगे आई और वो किस समाज में उसका जन्म हुआ और उसने ऐसी तो क्या लीला की आज समाज उसका पूजन कर रहा है 10 दिन का। उसने कोई अच्छे कार्य किए होंगे तभी तो समाज उसका पूजन कर रहा है। तो वो कौन सी देवी है? तो उसने बोला कि हम वो तो पूजन करते, उसके साथ हम खोड़ियार माँ का भी, हमारी जो कुल देवी है वो हमारी खोड़ियार माँ है। तो मैंने उसको भी बोला कि खोड़ियार माँ तुम्हारे कुल की तो देवी नहीं है। तो उसने बोला क्यों नहीं, हम तो उसका ही पूजन करते हैं। तो कोई बोलते हैं हमें गेल माँ का पूजन करते हैं, कोई बोलते हैं हमें महाकाली का पूजन करते हैं, कोई बोलते हैं हम वरुणी का भी पूजन, क्योंकि मेरे मायके में पड़ती ना, तो मैं भूलूँगी नहीं कभी भी। आज ये लोग आए हैं तो मेरे को याद आ गया। तो कोई बोलते कि मैं वरुणी की भी पूजा, ये लोग तो बेचारे धनी को पहचान लिया, वो तो किसी में नहीं, बहुत समझदार है सुंदर साथ हमारे, एक अक्षरातीत की पहचान कर ली है धामधनी की कृपा से बस। तो मैंने उसको पूछा हमारी थोड़ी 10-15 मिनट उसके साथ बात चली तो मैंने बोला कि खोड़ियार माँ जो है वो तो चारण कुल की है, तुम्हारे कुल की तो देवी नहीं है। तो उसने बोला तो हम तो यह देवी का पूजन करते हैं। तो मैंने बोला कि तो चारण कुल की, तुम्हारे कुल में पैदा होने वाली लड़की होती ये वो देवी बनती ने, चारण कुल में पैदा होती है। तो ऐसा हुआ कि पड़ोसी के घर में लड़की का जन्म हुआ, उस लड़की को आप पूजती हो? समझ गए मेरी बात आप सुंदर साथ जी? पड़ोसी के घर में लड़की का जन्म हुआ उसको आप पूजती हो, ऐसा हुआ नहीं? ये तो तुम्हारे कुल की देवी थोड़ी है वो, ये तो चारण कुल की है। तुम्हारे कुल की पटेल कुल की तो नहीं है ने, उसमें भी लेवा पटेल, उसमें भी कड़वा पटेल, दो है ने हमारी कास्ट में भी, एक पटेल में भी दो। तो उसने बोला दीदी ये तो पक्का है, मेरे को समझ में आया, सच है, ये तो चारण कुल की, हमारा कुल की तो नहीं। मैंने बोला तो पड़ोस वाली लड़की को आप पूजती हो क्या? उसकी घर की लड़की को आप खिलौने से खिलाती हो क्या? खिलाती हो क्या? उसको खिलाती हो भोजन क्या? तो उसने बोला नहीं। तो मैंने उसको समझाया कि पहले देवी तो हमारी माँ है जिसने हमको जन्म दिया, और उसका प्रमाण भी है वेद में, अर्थवेद में उसका प्रमाण भी है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथो देवो भव। जो पहले जन्म देनार हमारी माँ है वो हमारी पहली कुल देवी है, प्रथम कुल देवी है। और पिता ने, माँ ने जन्म के बाद पालन पोषण भी किया, और पिता है जो ने उसने हमको बड़ा करके हमारा शादी विवाह, या हमारा जो लड़के होते तो उसका शादी विवाह के बाद बिजनेस जो उसमें आदि सब की ओर उसका सेट कर दिया। तो वो पिता दूसरा हमारा देव है। और अतिथि जो हमारे घर में आने के बाद कोई ज्ञान उपदेश करे वो अतिथि हमारे देव है। और उसके बाद आचार्य, तो जो यहाँ का संसार का कोई लौकिक हमको ज्ञान दे तो वो आचार्य हमारे चौथा देव है। तो यह देवी देवी नहीं है। आप तो एक पत्थर की मूर्ति को आकार पर देकर आप मूर्ति की पूजा कर रही हो। तो मैंने उसको बोला कि जिसको आप पहचानती भी नहीं हो तो उसकी पूजा करने से आपको क्या मिलेगा? तो उसने बोला कि दीदी मेरे को तो पता नहीं, मेरा 8 साल हो गया पूजन करते करते। तो मैंने बोला कितने साल ये करना पड़ता? तो उसने बोला 10 साल करना पड़ता, ऐसा होता है? हाँ, उसने बोला कि 10 साल करना पड़ता है। तो मैंने बोला और 10 दिन बाकी, 10 साल में और 2 साल बाकी है। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने आगे बोला कि दीदी 10 दिन आप भूखी रहोगी क्या? तो उसने बोला हाँ। तो मैंने बोला भूखा रहने से, उपवास करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। वो तो एक भूखा रहने का तो एक उपवास है, लेकिन व्रत आपका पूरा नहीं होगा। मैं जब बात आएगी ना तभी मैं समझाऊंगी पूरा विस्तार से। भूखा रहने से ये व्रत नहीं कहा जाएगा, तो उपवास कहा जाएगा। उपवास से तो अंदर का जो हमारा जम्स होता है वो मर जाता, उससे तो हम बीमार हो जाते। मैंने बोला जो मात्रा में जो हमारा शरीर को जितनी मात्रा में अनाज चाहिए, भोजन चाहिए, वो दे दो। अब व्रत तो इसको कहते हैं कि परब्रह्म की जो ध्यान की प्रक्रिया, सुन लेना सुंदर सा जी, मैं व्रत की परिभाषा कर रही हूँ। व्रत इसको कहते हैं, आप बोलते हैं ना मैं ये व्रत लिया, ये व्रत लिया, ये व्रत किया। व्रत किसको कहते हैं? जो परब्रह्म के ध्यान की प्रक्रिया को निष्ठाबंध पूरा करने का जो प्रण लेंगे, हम व्रत लेंगे, उसको व्रत बोलते हैं। व्रत से ही दीक्षा प्राप्त होती है, या अजुर्वेद का प्रमाण है सुंदर साथ जी, मेरी घर की बात नहीं है। अजुर्वेद जाके खोल कर आप देख लेना, आपके घर में वेद हो तो। वेद में बताया कि आप अपने घर में जो उपवास कर रही हो व्रत का नाम लेकर, व्रत के एक बहाना बनाकर, ये व्रत नहीं है, भूखा रहना एक उपवास है। व्रत तो इसको कहते हैं कि आप एक प्रण बनाओ कि मैं रोज सुबह को उठकर परमात्मा को दंडवत प्रणाम या जय श्री कृष्ण, जो भी हो आपकी पद्धति में, सिद्धांतों में, परंपरा में, मैं प्रणाम करके क्या करूँगी? हमारा जो धर्म ग्रंथ है, मैं पहले दिन भी सुंदर साजी बताया था कि मान लो कि एक परमात्मा की पहचान कराने वाला यह धर्म ग्रंथ है। मान लो कभी कदाचित, आप सुनना, कदाचित एक परमात्मा की पहचान आपको अभी नहीं हुई और आत्मा को भी मैं आज कह रही हूँ, और आज अभी भी कर्मकांड में हो तो आने वाले टाइम में होने वाली है। लेकिन अभी जिस आराध्य को आप इष्ट के रूप में आप भज रही हो, जिसकी सेवा कर रही हो, मान लो कि राम की कर रही हो तो आपके घर में रामायण पधराइए। आप शिव की कर रही हो तो अभी मान लो श्रावण मास आएगा, लोगों की बहुत भीड़ मंदिर में रहेगी। एक महीने तक शिव जी ऊपर दूध या जल या बिलीपत्र का इतना ढेर पड़ेगा, ऊपर इतना जल और दूध। मैं किसी की निष्ठा, मैं किसी की श्रद्धा पर ठुकरा मिस ठोकर नहीं लगा रही हूँ। मैं आपको एक हाथ जोड़कर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कह कर कह रही हूँ कि एक महीनों पूजा करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे शिव जी, मैंने तीसरे दिन भी बताया था कि महान योगीश्वर है। आप माहेश्वर तंत्र खोल कर देख लो, आप पुराण संहिता खोल कर देख लो, आप शिव पुराण खोल कर देख लो कि इतने बड़े महान योगीश्वर शिव जी हजारों हजारों साल की समाधि लेकर बैठे हैं। कहाँ? हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं और पार्वती जी को कई कई हजारों साल की समाधि के बाद थोड़ा सा वचन कह पाते हैं। ऐसे शिव जी परब्रह्म परमात्मा की ध्यान में बैठे हैं। सुंदर साथ जी, तो हो माहेश्वर तंत्र अपने घर में पधराइए। जो शिव जी को मानना है, ये एक महीने तक आपको दूध या बिलीपत्र या जल चढ़ाना है तो आपके घर में माहेश्वर तंत्र पधराइए। एक महीने तक घर में निष्ठाबंध प्रण लीजिए कि मैं निष्ठाबंध माहेश्वर तंत्र या पुराण संहिता पढ़ूंगी या भविष्योत्तर पुराण या जो भी हो, शिव पुराण ये मैं पढ़ूंगी। और शिव कौन है, पार्वती जी कौन है, और उमा कौन है, और दक्ष की लड़की कौन थी, पुत्री सती, सती कौन है, गणेश कौन है, कार्तिकेय कौन है, उसकी क्या क्या लीला हुई। और उसके पिता ने, दक्ष ने, जब अपने यहाँ यज्ञ चल रहा था वहाँ यज्ञ में नहीं बुलाया, मैं देवी की बात कर रही हूँ, यज्ञ में नहीं बुलाया तो शंकर को एकदम क्रोध आ गया और देवी का जो ये मृतप्राय शरीर लेकर जा रहे उसमें से जो बूंदे जहाँ जहाँ गिरी, ये पौराणिक मान्यता के आधार पर हम समझते आ रहे, तो 64 जगह जहाँ गिरी वहाँ ये जितनी जितनी बूंदे गिरी वहाँ 64 जोगनी के नाम से, 64 माता जी के नाम से आज जाने जाते हैं। लेकिन हम किस आधार से जान पाएंगे? जब शास्त्र घर में पढ़ेंगे, घर में ये धर्म ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो ये पता लगेगा। जड़ मूर्ति पर जल चलाने से, चढ़ाने से, या दूध चढ़ाने से, या बिल्ली पत्र चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो प्राणाधार आत्माएं, ये अभी और भी लाभ, क्या नागपाचम आएगी, शीतला सातम आएगी, तो ऐसे हम कई कर्मकांडों में ऐसे पत्थर या मिट्टी की मूर्ति बनाकर हम पूजते आ रहे हैं। तो ऐसी मूर्तियों की पूजा में हम मत पड़े। सत्य की पहचान करें, धर्म ग्रंथों की पहचान करें, धर्म ग्रंथों में वास्तविकता क्या लिखी है ये पढ़कर आप आगे बढ़े। ये बात मत माने जो मैंने प्रमाण देकर किया है, वो धर्म ग्रंथ को आप स्वयं खोलकर आप पढ़ के आप अंदर को आपकी बात को आप समझना। हे प्राणधार आत्माएं, मैं तो बार बार विनंती करके कह रही हूँ कि जड़ मूर्ति को मत पूजिए। जड़ मूर्ति को पूजता पूजते हमारी बुद्धि में भी जड़ता आ गई, हम कोई आगे का जान नहीं पाए, क्योंकि परमात्मा तो पूरे सचराचर संसार में, जगत में एक छोटे से अमीबा नाम के बैक्टीरिया के अंदर और बड़े के बड़े हाथी तक या डायनासोर तक का जो प्राणी है उसमें भी इतना छोटा सा चैतन्य जीव अंदर प्रविष्ट करके पूरे हाथी तक जीवित रखता है। इतना छोटा सा जीव हाथी को भी क्रियान्वित करता है, अमीबा नाम के बैक्टीरिया को भी जीवित करता है। तो आप इतना ही समझ ले कि ऐसे समर्थ परमात्मा इतने पूरे संसार के जीवों के अंदर चेतना पूरने वाले, चेतना को प्रविष्ट करने वाले, यह परमात्मा कभी भी जड़ मूर्ति में नहीं रहते। कभी भी जड़ मूर्ति में नहीं रहते। तो आप सत्य की पहचान करें, सत्य धर्मों ग्रंथों को पढ़ें और उस ग्रंथ पर आप चलने का प्रयास करें। इतने प्रार्थना के साथ हम ये प्रसंग को आगे बढ़ाए। तो मोहम्मद साहिब जब इस संसार में आए सुंदर साथ जी, तभी मूर्ति पूजा का बहुत प्रचलन था। मोहम्मद साहिब ने ये देख के बहुत परेशान हैरान हो गए। उसने शरीयत तरीक़त की राह पर चलाया। ब्रह्मात्माएँ तभी नहीं थी, ईश्वरी सृष्टि भी नहीं थी, जो मानव थे वो भी पशुवृत्ति के थे। तो तभी कर्मकांड और उपासना कांड के मार्ग पर चलाए, हकीकत और मार्फत के ज्ञान जाहिर नहीं किए सुंदर साथ जी। और उसके बाद एक पारब्रह्म, एक खुदा ताला, एक अल्लाह ताला कौन है उसकी पहचान सबको करवाई। और एक गुफा में और रोज़ ध्यान में बैठते रहते थे। कौन? तीसरे दिन में आने वाले हमारे श्री मोहम्मद साहेब, जिसके अंदर कौन कौन सी शक्ति आई थी सुंदर साहब जी भूलना मत। श्री राज्य के जोश और अक्षर की आत्म आई थी। राज्य के आवेश क्यों नहीं आए थे? मैंने अभी बोला था, सखिया नहीं थी तो राज्य को आना कोई जरूरी नहीं था। तो आपके अंदर बैठ जाना चाहिए। मैंने दूसरे दिन भी बोला था, ये कोई कथा नहीं है कि मैं बोल दूँ आपने सुन लिया, घर में जाकर अपने अपनी माया में मस्त। मैं अपनी घर में सुंदर साजी ये चर्चा कथा तो इसको कहिए कि जो रोवे अने रो रावे। आपके अंदर भी ये चर्चा जानी चाहिए। अने चर्चा का मैंने जो पूरा विस्तार से आपको समझाया था कि चर्चा इसको कहते हैं कि चर्चा करने वाले भी अपने घर की बात करते हैं, सुनने वाले भी किसकी बात है, ये भी अपने घर की बात सुनते हैं। और दोनों के बीच में हो रही नहीं, वो भी अपने घर की बात है, उसमें कोई तीसरी पार्टी की बात। तीनों में एक ही बात है ने, जो हम करते भी अपने घर की बात है, आप सुनते हो भी अपने घर की बात है ने, और हो रही है भी अपने घर की बात है। उसको बोलते चर्चा। क्या बोलते हैं? चर्चा। तो सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब गुफा में ध्यान में बैठते थे। बैठते बैठते जब्राइल का जोश, मैंने बोला ना विस्तार से तो नहीं, 1 घंटे ले लिया। देखो मैंने सोचा 10-15 मिनट में तो मैं पूरी कर दूंगी, नहीं होता, क्या करूं। सुंदर साथ जी ध्यान में बैठे बैठे एक दिन जब्राइल का जोश का आना हुआ। उसने बोला कि पढ़ खुदा का नाम। मोहम्मद साहब को बोला उसने, फिर बोला, उसने बोला कि मैं अनपढ़ हूँ। वो गडरिया थे ने सुंदर शाह जी, वो गडरिया को चराते थे। फिर बोला उसने कि पढ़ खुदा का नाम, फिर बोला कि मैं अनपढ़ हूँ। तीसरी बार बोला कि पढ़ खुदा का नाम। तब तीसरी बार बोलते उसको एक स्पर्श किया, आलिंगन किया जब्राइल के जोश ने। तब वो शक्ति तीसरी बार उसको लेकर कहाँ गई? ये नासुत, ये ब्रह्मांड, मृत्युलोक, पृथ्वीलोक को छोड़कर ऊपर क्या आया? कुरान की भाषा में उसको नासुत कहा गया, हिंदू की भाषा में उसको क्या बोला? मृत्युलोक, पृथ्वीलोक। उसके ऊपर कहा गया नासुत, मलकूत, और उसके बाद जबरूत, अक्षरधाम, और उसके बाद लाहूत, दिव्य परमधाम में जब्राइल के जोश की शक्ति उसको लेकर चौथे आसमान में पहुंची। तभी मोहम्मद साहिब की उम्र सुंदर साजी 40 साल की हो गई थी। कितनी? 40 साल की हो गई थी। और मोहम्मद साहिब की उम्र 40 साल के बाद जब जब्राइल के जोश की शक्ति से आयतें शुरू होने लगी, जब्राइल की जोश की शक्ति से, तो 40 साल के बाद एक कुरान के अंदर हमारी कई कई साक्षियाँ लिखवाई। और जब जोश की शक्ति ऊपर गई तो खुदा ताला, अल्लाह ताला रब्बे आलमीन के सामने अर्शे अजीम लाहूत में पहुंच गई। मैं पूरा परमधाम का वर्णन करने का तो विचार किया था लेकिन आज नहीं कर पाऊंगी। छोटे रूप में थोड़ा बता दूं क्योंकि यहाँ से हमारी सूरत आ जाएगी। कौन जाएगा? ये स्थूल शरीर नहीं जाएगा, यहाँ से सुरता हमारी जब जाएगी हमारा तन यहाँ रहेगा। जब हमारी सुरता ये मृत्यु लोक से ऊपर छः स्वर्ग को छोड़कर, शून्य निराकार को छोड़कर, नारायण हद ब्रह्मांड को छोड़कर, ऊपर बेहद अक्षर जिसमें चार पाद को छोड़कर ऊपर गई तो सर्वरस सागर, उसके बाद चार आर छोटी रांग, आगे हवेलियाँ, उसके बाद वन की नहरें, उसके बाद बड़ोवन मधुवन महावन, और उसके बाद सुंदर साजी। दक्षिण की ओर हम चलेंगे तो माणिक पहाड़, और उसके बाद आगे गए तो जवेरों की नहरें, और उसके बाद हम आगे गए तो 24 सांस के महल, और उसके बाद कुंज निकुंज के वन, होज को सो तालाब, और इधर की ओर पूर्व की मोड़े तो क्या देखेंगे हम? सुंदर साजी, बट के पुल। बट के पुल से हम इधर आए, उस बार कैल पे पुल से आएंगे, इस बार बट के पुल से आए सुंदर साथ जी। तो बट के पुल से आगे चले तो सुंदर साथ जी, बट के पुल, बट केल लींबू अनार अमृत जाम्बू नारंगी ने बट, और बट से आगे आए जाम्बू नारंगी और अमृत वन में आकर चांदनी चौक। चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़कर हम धाम चौक में पहुँचे। आप चितवनी करते जाइए सुंदर साथ जी। धाम चौक में पहुंच गए, धाम चौक में हम खड़े रह गए, धाम दरवाजा को देखा सुंदर 2 भूम का ऊंचा। अंदर गए 28 थम के चौक, 28 थम चौक को पार कर कर 4 चौरस हवेलियाँ, पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली छोड़कर, 3 और चौरस हवेली छोड़कर 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे, और मूल मिला में पहले 64 थम की हार छोड़कर, फिर एक मंदिर चलकर, फिर मंदिर की हार छोड़कर, फिर एक मंदिर चलकर, फिर एक थम्बों की हार छोड़कर, फिर एक मंदिर चलकर, फिर कमर भर ऊँचे चबूतरे पर चढ़कर, फिर कमर भर ऊँचे चबूतरे पर फिर एक थम्बों की हार, फिर बीच में गिलम। हम 12,000 ब्रह्मात्माओं को देखा, और बीच में मध्य में 1000 पंखुली वाले कमल के फूल पर, जो गलीचे में फूल की चित्रकारी आई हुए, उस पर सुंदर रत्न जड़ित कंचन के सिंहासन, उस पर जुगल स्वरूप विराजमान है। वहाँ मोहम्मद की जो अक्षर की आत्म के रूप में, यहाँ मोहम्मद की जो एक साथ, मोहम्मद की आत्म के साथ जो एक जोश की शक्ति चली और मूल मिलावे में पहुँची सुंदर साथ जी। तो मूल मिला में पहुँचे, इससे पहले धामधनी ने तो वाणी में बताया था कि आगे नहीं बढ़ रही थी। क्यों नहीं बढ़ रही थी? उसने बोला कि नूर तज्जल्ला की तज्जली जो जलावत मेरे पर, क्योंकि आगे अक्षरातीत का इश्क का नूर मेरे को जला रहा है। जब्राइल जोश ने बोला मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो फिर उसने बोला कि और आगे चलो। तो 1 कदम चले, लेकिन 500 साल का था, जैसे थकान लगती इतना थकान लगी, और आगे बढ़े लेकिन वो वहाँ रुक गए। फिर वहाँ से रफ रफ के तखत श्यामा जी कौन आई? मूल मिलावे से इश्क के स्वरूप उसको लेने के लिए आए, और मोहम्मद साहिब के अंदर बैठे हुए अक्षर की आत्म इश्कमयी प्रेम के स्वरूप बन गई और मूल मिला में पहुँच गई। वहाँ जाके उसने हक ताला, खुदा ताला, अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दीदार किया। बोलिए श्री प्राणनाथ। खुदा ताला, अल्लाह ताला का दीदार किया। धामधनी ने वाणी में बताया कि दीदार किया तो बीच में कितनी जगह थी। जब दीदार तो किया, वहाँ जाके बीच में एक, जब हम बाण छोड़ते तो एक तीर होते, तो कमान के बीच में जितनी जगह होती, ये कोने से ये कोने के बीच में जितनी जगह होती, इतनी जगह श्यामा, ये जो मोहम्मद की आत्म, मोहम्मद के अंदर अक्षर की आत्म गई और राज्य के बीच में इतनी जगह रही। वहाँ जाके राज्य ने पूछा, और श्यामा जी के स्वरूप जो मोहम्मद की आत्म हो गई, दोनों के बीच में वार्तालाप भी हुई। और श्यामा जी ने पूछा कि मोतियों के मुंह पर कुल्फ क्यों है? तभी राज्जी ने बोला कि रूहों ने गुनाह किया है। तो बोला कि क्या गुनाह किया है? तब उसने बोला कि तेरी रूहों ने ये माया का खेल मांगा है। तो सुंदर साथ जी तब और आगे तेरी रूह क्या बोली, क्यों बोली? क्योंकि श्यामा जी का स्वरूप बन गई ना माँ जाके, इसका आ गया इसलिए। तो फिर सुंदर शाह जी ने 1000 हर्फ बातें हुई, उसमें कई कई परमधाम की साक्षियाँ, होज कोसर, जमुना जी, 7 वन, पशु पक्षियाँ, कई वनों की, ऐसी रंगमहल की कई कई बातें जाहिर हुई कुरान में, इशारे के रूप में, संकेत में रूप में, ऐसे पूर्ण रूप में जाहिर नहीं हुई। और 6 दिन की लीला भी कुरान में सुंदर शाह जी जाहिर हुई। और 6 दिन के बाद जो उसका कुरान का 30 सिपारा, उसका 30 सिपारा प्रकरण बोलते हैं, कुरान का 30 सिपारा 30 प्रकरण में जो 3रा आम सिपारा है, 3रा आम सिपारे में इन्ना अतेना, इन्ना इंजुला, ऐसे सूरत, ऐसे प्रकरणों की भी अवतरण हुआ, ऐसे जब्राइल के जोश के साथ। तो सुंदर शाह जी ऐसे मोहम्मद साहिब ने यहाँ 63 वर्ष इस संसार में लीला करके अपनी लीला 63 वर्ष के बाद पूर्ण की। और वो एक वायदा करके, एक कॉल करके गए। क्या कॉल किया उसने? 999 मास कुरान में बताया रसूल को हुए जब रूहल्ला मिशल गाजियो मोमिन उतरे तब। उसने क्या कॉल किया? मोहम्मद साहब के अंतर्ध्यान के समय उसने बोला कि मेरे अंतर्ध्यान देह त्याग के बाद, ध्यान से सुनना सुंदर शाह जी, पूरी बात हम आज पहले दिन से लिंक वाइज जोड़ रहे कि आपके दिल में पूरी लीला बैठ जाए, इसलिए राज जी बार बार कोशिश कर रहे, बार बार धनी प्रयास करवा रहे। 4थे दिन की लीला प्रारंभ हो रही है। किस दिन की? 3 दिन की लीला हमारी पूर्ण हुई 4थे दिन में, क्योंकि राज जी ने बताया कि 3रे दिन का लीला का विस्तार तो बहुत है, लेकिन सैया 4थे दिन का करो विचार। 3 दिन की लीला तो बहुत, 3रे दिन का तो विस्तार है, लेकिन हमारे पास समय 10 दिन का है, इसलिए अभी विस्तार ज़्यादा करना नहीं है। तो तुम आगे 4थे दिन की लीला प्रारंभ कर दो। तो सुंदर साथ जी हम 4थे दिन की लीला में जाएंगे। 4थे दिन की लीला में बोला, क्या बोला? कि मोहम्मद साहिब के देह त्याग के समय मोहम्मद साहिब ने कुरान में लिखा कि मैं जब ये समय की लीला पूर्ण करूँगा तो मेरे देह त्याग के बाद 990 वर्ष और 9 मास पूर्ण होने के बाद, जब 10वीं सदी के 9.25 वर्ष बाकी रहेगा, 9 माह और 3 महीने सुंदर शाह जी, 9 साल और 3 माह बाकी रहेंगे, तभी मेरी शक्ति, मोहम्मद साहब बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? तभी मेरी शक्ति हिंदुस्तान में, कहाँ आएगी? हिंदुस्तान में। मैं रूहल्ला बनकर मैं अकेला नहीं आऊँगा, कौन कौन आएगा? रूहल्ला को हिंदू शास्त्रों में क्या बोला गया? श्यामा जी, श्यामा जी बोला गया ने। तो रूहल्ला, श्यामा जी और मैं अकेला नहीं आऊँगा, 12,000 आत्माओं के साथ मैं आऊँगा। रूहल्ला मिशल गाजियो, क्या बोला? रूहल्ला मिशल गाजियो, मिसलों की जमात के साथ, क्योंकि सब साथ में गए थे ने। तो वहाँ जाकर हमने क्या बोला कि धामधनी क्यों भाई साथ में क्यों आए, क्यों आए? मैं आपको एक प्रश्न पूछ रही हूँ, क्यों फिर साथ में आया है? क्या ये खेलने देखने का भी बाकी था ने? पानी, पत्थर, देवी देवता, अलग अलग कुटुंब, कबीले, परिवार, वेशभूषा, बोली, जाति, हैं ये सब बाकी थे ने? ये हमने व्रज लीला में देखा नहीं था? अलग अलग गाँव में, अलग अलग एक ही स्थान में, एक ही गांव में, एक ही राजकोट में भी सोसाइटी अलग अलग है ने? वहाँ भी हम मिलना कितना कठिन हो जाता है, मिल भी कितने दिनों के बाद मिलन हमारा संभव बनता है सुंदर शाह जी। तो ये काम हमारा बाकी रह गया था। तो धामधनी ने सोचा कि जो परम धाम में रहेगी ना तो भी मेरे को चैन से रहने नहीं देगी। कौन कौन सुंदर साथ जी? परम धाम में रहेगी आत्माएं तो भी हमको चैन से रहने नहीं देगी। तो चलो उसकी जो इच्छाएं है, उसके जो मनोरथ है, ये तो पूर्ण करना ही करना है। तो राज जी तो अंदर से मंद मंद मुस्कुरा रहे और बाहर से फिर बोले कि जाओ, आपको खेल बाकी है ना देखना, जाओ। मांगेगे सुंदर सा जी, अभी थके नहीं वो इस खेल से? क्या मैं तो थक गई भाई, आप ना थके हो तो कोई बात नहीं, मैं तो थक गई इस खेल से। बहुत व्यवहार निभा लिए, बहुत नाते निभा लिए, बहुत परिवार बच्चे को पाल लिया, बहुत कुछ, एक ही जन्म थोड़ी लिया है। मैं बहुत दर्द वाली बात करी सुंदर साथ जी, हंसने वाली बात नहीं है। कितने जन्म लिए हमने, अभी भी हमें नहीं थके हैं। कैसी साहेबी थी हमारी परमधाम की, कैसी साहेबी में हम रोज लीला करते थे सुंदर साथ जी। कैसे सुबह से उठकर धामधनी, कैसे हमारे धनी के साथ बाल भोग, राजभोग है, कैसी लीलाओं में हम सुखपाल में विहार करते थे। आज तो सुबह को चाय पीने की भी टाइम नहीं मिली है। यह मजा आता क्या? समझ में आया मेरा कहने का भाव? इतनी माया घेर लेती सुंदर साथ जी, कई बार पूरा पूरा दिन। ऐसी साहेबी थी, मैं बहुत बातें कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पाती हूँ, क्या करूँ। सुंदर साथ जी ऐसे दुख रूप ये खेले। मैंने आपको तीसरे दिन भी बताया था कि जितना धनी का जो अंदर का प्रेम जोरावर था, हमारे अंदर का जो प्रेम जोरावर था ने, धनी ने अंतिम में क्या बोला पता है? रूहे हे आत्माएं, इस खेल में तो जा रही हो, जितना जोरावर इश्क है ने, जितना बलवान प्रेम है ने, इतनी दुख रूप माया है। माया कोई छोटी नहीं है, कम नहीं है सुंदर साजी। हम पूरे दिन कीचड़ से सने हुए हैं, थोड़ी देर ये हाथ को धोए तभी तो पता लगेगा ये चमड़ी है। समझ में आ रहा है मैं बहुत गहरी बात कर रही हूँ? पूरे दिन सिर से लेकर चरण तक कीचड़ से सने हुए हैं। ये तो हम मानते हैं कि एक घंटे राज जी के मंदिर में बैठ लिए और हाथ मुँह धो लिया। नहीं 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 नहीं, हमारी भक्ति पूरी नहीं होती ऐसे। कल नहीं देखा व्रज के ब्रह्मांड में एक पल की जुदागी करोड़ों युगों के समान जाती थी? आज एक घंटे के बैठने में भक्ति पूरी हो जाती क्या? जवाब दीजिए सुंदर साथ जी, एक घंटे राज्य के पास बैठने में भक्ति पूरी हो जाती क्या? एक घंटे भी शांति से नहीं बैठते। इतना मन चंचल ने, इतना मन निष्ठुर ने, इतना मल चंडाल है। इसलिए तो सुखदेव मुनि ने बताया भागवत में, प्राणनाथ जी ने भी वाणी में बताया और सुखदेव मुनि ने भी बताया मन के बारे में कि एक पल भी आपका मन स्थिर रह जाता ने तो भी आप भवसागर को पार कर लेती। और सुखदेव मुनि ने गौपदवत संसार बताया कि गोपियों ने कैसे भवसागर को पार किया था। सुंदर सा जी दर्द तो बहुत पैदा होता है लेकिन समय नहीं है। सुखदेव मुनि ने बोला कि जैसे गाय के बछड़े होते हैं, बछड़े ने जब एक पैर रखा मिट्टी के अंदर धरती पर और एक धरती पर पैर रखने से गड्ढे बन गए छोटे से। गड्ढे के कैसे गड्ढे बने कि बछड़े के खूर से, नीचे वाला जो खूर होता है ना पैर के नीचे का खूर, खूर से गड्ढे बने। और गड्ढे के अंदर पानी कितना भरता, बारिश आती या पानी जाता तो कितना खूर के गड्ढे में भरता पानी, इतना सा छोटा सा, एक छोटे से प्याली जितना ही, एक गिलास जितना ही पानी होता अंदर। यह पानी को पास करने में कितनी देर लगती? इतनी देर गोपियों को ब्रजमंडल से रास में जाने के लिए लगी नहीं थी सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि द्रापर में इतना ऐसा था। धामधनी ने माय स्वतंत्र में हुक्म से लिखा कि सुंदर साथ जी कलिर धन्यम कलिर धन्यम कलिर धन्यम, कलयुग को धन्य है, कलयुग को धन्य है, कलयुग को धन्य है। कलयुग के अंदर आपका मन एक पल के लिए जो स्थिर रह जाएगा ने, एक पल के लिए, तो आप अपने में सोचो ने, अपने अंदर जाओ और सोचो कि क्या मेरा मन एक पल के लिए नहीं स्थिरता होगा क्या? क्योंकि अभी तक राज जी तो मिले नहीं मिले तो उसका भाव यही है कि हमारा मन अभी स्थिर अभी नहीं हुआ है। राज्य मिल जाना चाहिए ने, एक पल हमारा मन स्थिर। मैंने कल भी बोला था ने कि हम राज्य की सेवा करते हैं तो हम मंदिर में, लेकिन हमारा मन कहाँ है? किचन में है, या खेत में चला जाता, या कोई और बाजार में चला जाता, और कोई खाने पीने की चीज़ में चला जाता। मन यहाँ बैठने नहीं देता। इसलिए तो धामधनी ने बताया कि मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत जाहे भी, मन ही करे फजीत। सुंदर साजी मन इतना चंचल है, मन नीला, मन पीला, मन कितने प्रकार का बताया है। आप मन के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। सुंदर साजी ऋषि मुनियों ने भी उस मन को रोकने के लिए बहुत टाइम तक साधना लगाई। विचार कीजिए, संसार को ठोकर लगा दी, ये नेत्र को बंद कर दिया तो भी आज निराकार तक नहीं पहुँचे। और आज आप खुले नेत्रों में संसार में विचरण कर रहे हो। एक एक पल में करोड़ों विकार पैदा हो रहे संसार को देखते देखते, तो कैसे राज्य मिलेंगे? समझ में आ रहा है मेरी बात? आ रही है? कैसे बैठना होगा? संसार को भुला दो एक बार। मैं रोज एक बार बोलती हूँ कि जितनी देर मंदिर में रहो ने, भले 5 मिनट जाओ, मैं ये नहीं कह रही 1 घंटे जाओ, 2 ही मिनट में मत्था टेको, सेजदा बजाओ, लेकिन 2 मिनट तो संसार को ठोकर लगा के सेजदा बजाओ। समझ में आया? अंदर किसी भी का स्थान नहीं होना चाहिए, किसी की जड़ का अंदर स्थान नहीं होना चाहिए, तभी राज्य मिलेंगे। सुंदर साजी हम कीचड़ से पूरे सने हुए हैं। वो कीचड़ नहीं कहती हूँ मैं, मिट्टी वाला, ये माया के संसार के जीवों के जो हमारा अंदर इतना पूरा अंदर का जो पूरा कीचड़ सना हुआ है ना, एक एक पल में हजारों लिस्ट अंदर है। ये मन को आपने कभी भी अंदर सोचा नहीं है। मन इतना चंचल है, मन इतना गहरा, चंचल तो है गहरा और गहरा। ये सागर यहाँ बने हैं न, सागर इतने गहरे हैं न जिसका नाप तोल कोई वैज्ञानिक अभी तो थोड़ा कर दिया। धनी ने बताया सागर की नाप तो हम कर लेते, लेकिन मन की इतनी गहराई है अभी तक कोई मन को नाप नहीं सका है। यह मन को वश करना है सुंदर साथ जी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, तो धनी को प्राप्त करने की बात है, अक्षरातीत को। इतना कठिन भी नहीं है धनी, ये भी मैं कह दूं, आप चिंता मत करो, इतना कठिन भी नहीं है। बस एक बार लग जाओ, लेकिन इतने दर्द के साथ लगो। मैंने बोला ना 5 मिनट लगो, लेकिन दर्द के साथ लग जाओ। बस एक बार मत्था टेका, बस धनी की अनुभूति हो जाए। प्राणदास सुंदरसा जी चौथे दिन की बात में हम आगे बढ़े। चौथे दिन में हमने धामधनी ने मूल मिलाव की बात हमने आधी छोड़ी। मूल मिलाव में धामधनी ने बताया था कि सुंदरसा जी वहां जाकर मेरे को भूलोगी, घर को भूलोगी, और तहाँ तक तो ठीक है, स्वयं अपनी आत्म को भी भूल जाओगी। तो बनाई ऐसा बनाने, घर को तो कब से भूल गए, बहुत टाइम से भूल गए। भले ज्ञान के माध्यम से हम याद कर रहे हैं, लेकिन किसी को अनुभूति हुई? ज्ञान के माध्यम से माणिक पहाड़ा बहुत टाइम से हम सीखते आ रहे, चर्चनी के माध्यम से। मैंने भी बहुत आत्माओं को सिखा दिया, चर्चनी की ट्रेनिंग दे दी धामधनी की कृपा से बहुत सुंदर साथ को। हमारे और प्रचारक सुंदर साथ भी चर्चनी के माध्यम से बहुत सिखा रहे हैं 25 पक्ष का ज्ञान। कोई बात नहीं, सीखना भी चाहिए, क्योंकि लीला के रूप में देखना तो है ही। मैं ये कह रही हूँ कि चर्चनी सीखने के बाद सुंदर साथ जी हम जवाहरदास जी बन पाए? मेरे को जवाब देना आज। ये धामधनी पूछ रहे हैं आपको प्रश्न, ये कोई कथा नहीं कर रही हूँ मैं, किसी का घटनाक्रम में कहने के लिए बैठी भी नहीं हूँ। मैं रोज एक बार बोलती, मैं परंपरा वाला वित्तक करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। समझ गए मेरी बात? ये वित्तक करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। मैं रोज बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल हमारी बात है, ये किसी की बात नहीं है, हम सभी आत्माएं की ये बात है। यह दर्द अंदर है कि बस मेरी आत्मा ये सुख ले और मेरी आत्मा ये राह पर चले। वही आत्मा जल्दी से बस धामधनी के चरणों को देखे, वही सुख में डूबे, वही आनंद में डूबे, वही प्रेम में डूबे। मेरी बात यहाँ आधी रह गई। सुंदर सा जी मेरे को जवाब दीजिए कि युगलदासी बने हम। युगलदासी ने क्या प्रण लिया था कि 25 पक्ष जब तक मैं नहीं देखूंगा परमधाम के तब तक मेरी आंख की पट्टी नहीं खुलेगी। कब तक ध्यान करते रहे सुंदर शाह जी? युगलदासी ने ध्यान किया या नहीं किया? किया ने। आंख की पट्टी कब खोली उसने? 25 पक्ष दिखा दिया धामधनी ने उसको, मूल स्वरूप ने। और 25 पक्ष दिखने के बाद पट्टी पर से वर्णन भी किया। उसके बाद उन्हें पन्ना दरबार में पट्टी खोली है। ऐसे हमारे जबरदस्त जी महाराज जिसकी बड़ी वृत्त आप सीखते हो चर्चनी के माध्यम से, उसको पूछो रात ने दिन ध्यान में लगे थे सुंदर साथ जी। रात ने दिन जब तक उसको परमधाम नहीं दिखाया तब तक संसार के रिश्तों को और नहीं देखा है, मोह माया बंधनों को सबको छोड़ दिया। उसके बाद वो बड़ी वाली बड़ी वृत्त जो है जबरदस्त जी महाराज ने लिखी हुई, वो वृत्त को श्रवणा माता जी जो मुफ्तसर वाली जिसको चलते हलते हलते चलते परमधाम बोलते हैं, उसने क्या बोला पता है? वो प्रैक्टिकल परमधाम में अभी यहाँ बैठी है पंजाब में। मैं क्या कह रही हूँ पता है? तो आपको समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? जो जिस परमंशों ने या अभी ब्रह्मात्मा हमारी हाजिर में जो पंजाब जहाँ जहाँ बैठी है अलग अलग प्रांतों में, वो ने प्रैक्टिकल चल के दिखाया। वो बैठी तो यहाँ है लेकिन उसका तन यहाँ है। वो कहाँ है? उसकी सुरता परम धाम में। वो क्या बोलती पता है? मैं हर बार जब पन्ना में जाती ना तो उसका कमरा वहाँ पड़ता है, जब यहाँ जो साहित्य वाला जो दरवाज़ा है ना वहाँ से ऊपर चढ़े बंगलाजी दरबार का पूर्व का दरवाज़ा है, वो दरवाजे के इस पास जो घुमटी बनी है ना वो छत्रसाल जी महाराज के वंशज में जो गुमटी बनी हो, गुमटी के पास ही उसकी एक उसका कमरा है। वहाँ वो ध्यान करती है जहाँ जब आती है तभी, और वहाँ ही 25 पक्ष में डूबी रहती हो माता जी। मेरे को करनाल में भी मिलती है वो, तो वहाँ मैं उसके कमरे में चली जाती तो बोलती कई बार। क्या बोलती पता? मैंने प्रैक्टिकल देखा सुंदर सर, यह मन से आउट कर नहीं रही हूँ सिर्फ, मैंने प्रैक्टिकल उसके अंदर देखा है। वो क्या बोलती है पता है? जब समय हो जाता है तो हम बोलते कि चलो माता जी खाने का टाइम हो गया, चलो माता जी पानी पीना है या कुछ करना है लीला है, तो माता जी बोलती ये छलिए को खाना है तो भूख लगेगी, उसको पीना है तो जब पिलाएंगे, उसको खाना है तो अंदर से खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। मेरी क्या, मेरी इच्छा से थोड़ा चल रहा है ये शरीर। प्रैक्टिकल बोलती, उसको इच्छा है तो उसको भूख मेरे को भूख लगाएंगे, उसको इच्छा है तो मेरे को पानी की प्यास लगेगी, मेरी इच्छा से तो कुछ चल ही नहीं रहा इस ब्रह्मांड में। देखो अपना सर्वस्व धनीपन न्योछावर कर दिया है, समर्पण कर दिया, उसका अपने पर शरीर चल ही नहीं रहा है। पानी पीने के लिए राज्य को पूछती है कि धनी में पानी पीऊं, धनी में खाना खाऊं। दोपहर हो गया, शाम हो गई, संध्या ढलने लगी, एक एक पल राज्य के साथ बात करती है वो। तो ऐसे हमारे पूज्य स्वामी जी राजन स्वामी, ये भी मैंने उसको भी प्रैक्टिकल देखा सुंदर साथ जी। मैं यहां से किसी बनी बनाई हुई बात नहीं कहती, ऐसी मैं ये भी कह रही हूँ कि जबरदस्त गोपाल मणि जी सुंदर साथ जी ऐसे हमारे जो परमन साथ में आए हुई, वो यहाँ बैठे बैठे परमधाम को देखा। आज हम चर्चनी के माध्यम से सीख तो रहे, क्या हमने देखा कभी भी परमधाम को? देखा कभी भी? अनुभूति भी की? महसूस किया? नहीं। हम बुद्धि के धरातल पर हिसाब किताब ये समझते आ रहे, लेकिन हमें कभी देखा? कोई हमको पूछ ले कि आपने परमधाम देखा तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास कोई उत्तर है? कोई जवाब है? नहीं है। हम क्या बोलेंगे? हमारे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं है। सुंदर साहब जी हम पति 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 करते हैं कि हमारा अक्षरातीत हमारे पति है, हमारे प्राण वल्लभ प्राणनाथ है। कोई आपको पूछ आपके प्राणनाथ को आपने देखा क्या स्वयं ने? तभी हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ के पति होते कोई पूछे तो उसको देखे भी ना, हम उसके साथ संसार के व्यवहार करते क्या? तो हमारे आत्म के प्रियतम को भी हमने देखा नहीं है सुंदर साथ जी। तो मैं और आगे बात ले जा रही हूँ कि जिसको हमने प्राणनाथ अक्षरातीत के रूप पति के रूप में माना, जिस घर को हमारे परमधाम को हमने हमारे घर के रूप में समझा, और हमारी आत्मा निज घर से परमधाम से आई है, लेकिन एक की अनुभूति अजी अभी हमको हुई नहीं है सुंदर साथ जी। तो ऐसे 12,000 आत्माएं इस संसार में आई, किस किस को भूल के आई? हमारे निज घर को, निज धनी को और निज स्वयं आत्मा को भूलकर ऐसे अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग बोली में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग शहरों और गांवों में आकर अपना अलग अलग घर गृहस्थी पति और ऐसे संसार बसा के बैठ गई। यही हमारा पति है, यही हमारा घर है, यही संसार सब कुछ ठीक है, यही हमें अनादिकाल से रह रहे हैं और अनादिकाल यहाँ तक रहना है ना, यहाँ रहना है क्या? मान तो लिया यहाँ ही रहना है सुंदर साथ जी। तो ये राज जी ने पहले से अलर्ट कर दिया था, सावधान कर दिया था, सावचेत कर दिया था कि वहाँ जाके मेरे को भूलना मत। तो अलग अलग में आकर सुंदर साथ जी सब कुछ हम भूल गई, इस संसार को हमने सच मान लिया। कोई बात नहीं, चलो तब तक तो ठीक है। और आने के बाद हम श्यामा जी के साथ आई, चौथे दिन की लीला में हम आगे बढ़े। तो श्यामा जी के साथ आने के बाद सुंदर साथ जी, श्यामा जी कहाँ है उसका अवतरण हुआ? पहले दिन की लीला को हम ले लें। राजस्थान, अभी वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। जब 1947 में सुंदर शाह जी जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान सिंध प्रांत में चला गया। मारवाड़ प्रदेश, तभी छोटे छोटे प्रदेशों के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ प्रदेश, उमरकोट गांव, मतुमेता पिता और कुंवरबाई माता के गर्भ से, उसके कुख से सुंदर शाह जी गर्भ से देवचंद्र जी नामक तन देवापी नाम के जीव का जन्म हुआ। और उसके बाद उसकी साक्षियाँ भी लिखवाई कई धर्मशास्त्रों में। वो साक्षियाँ मैंने पहले या दूसरे दिन भी बहुत ले ली थी, क्योंकि संसार के सभी मत पंथ वाले आपको पूछेंगे कि आपकी साक्षियाँ है क्या। मान लो आप बोलेंगे कि देवचंद्र जी जागृत बुद्धि के स्वरूप आए, जागृत बुद्धि के अवतार आए, क्योंकि भागवत में 22 अवतार तक का वर्णन लिख लिया। 23 में जागृत बुद्धि के अवतार और 24 में कल की अवतार। संसार के लोग आपको पूछेंगे ने निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के बारे में, तो आपको क्या, आपके पास क्या कोई जवाब है? क्योंकि भागवत में तो लिखा गया नहीं है, तो अन्य शास्त्रों में प्रमाण है। ये प्रमाण जब आप संसार के जीवों को देंगे तभी तो लोग मानेंगे कि भाई हाँ, कल मैंने मुरे को वो बेड़ीपरा से माता जी आई थी, वो बोल रही थी कि मेरे पुत्र मेरे को पूछ रहे कि माता जी तू बोल रही कि निजानंद संप्रदाय में यह जागृत बुद्ध स्वरूप 23वां अवतार और 24वां अवतार आ गया है। भले सुखदेव मुनि ने भागवत में वर्णन नहीं किया, लेकिन 23वां और 24वां अवतार इस संसार में 400 साल पहले आ गया, भले संसार नहीं माने या माने। तो माता जी सुंदर साथ है हमारी, उसने कल बोला कि मेरे पुत्र नहीं मान रहे। मैंने उसको बोला कि भाई जागृत बुद्ध स्वरूप और निष्कलंक बुद्ध स्वरूप आ गए हैं। तो उसने बोला कि आप दीदी आओ और समझाओ शास्त्रों के प्रमाणों से। मैंने बोला कि भैया अभी तक चालू है, आप आ जाना, यहाँ अवतारों की तो बात हो रही है, शास्त्रों पुराणों की और हमारे परमधाम की लीला की सब बातें यहाँ हो रही है, तो आप यहाँ ले आइए। उसने बोला कि निजानंद संप्रदाय में कोई बुद्ध अवतार, बुद्ध स्वरूप या कल की स्वरूप आए नहीं है, तो दीदी आप उसको समझाना। मैंने बोला सीरीज़ भी उतर रही है, आप उसको सुना देना, मैं जब मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो मैं आऊँगी और ज़रूर समझाऊँगी कि उसका प्रमाण आप सुन लेना। मैं तभी दे दिया, मैं आज वापस नहीं दोहराऊँगी, क्योंकि शिरडी में वो आ गया है। पहले दिन भी राजाओं का वर्णन, दूसरे दिन भी आ गया है। आज मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि भविष्योत्तर पुराण, माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, भविष्य पुराण, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, ऐसे कुरान, ऐसे बहुत जगह हमारा प्रमाण दिया गया है बुद्ध स्वरूप और कल की स्वरूप निष्कलंक बुद्ध स्वरूप आएगा। 23वां और 24वां अवतार बनके, लेकिन संसार अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, उसको पता नहीं है सुंदर साजी। लेकिन उसका प्रमाण सब शास्त्रों में, उसमें से मैं एक प्रमाण अभी दूंगी कि सुंदरा इंदिरा नामाभ्य चंद्र सूर्यो माना अंधकार विनाशाय भविष्यति प्रतिपदी भविष्यति कलयुगे। ये प्रमाण एक मैं आपके सामने रखूंगी कि सुंदिरा और इंदिरा, मान लो देवचंद्र जी आए ना चौथे दिन में, तो बुद्ध स्वरूप आए। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, क्योंकि आपके संसार के जो धर्मशास्त्र सब आए वो स्वप्न की बुद्धि से उतरा। किसकी बुद्धि से उतरा? स्वप्न की बुद्धि से उतरा। चार प्रकार की बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि, विवेक बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि, जिसको नूर बुद्धि भी बोलते हैं। तो विवेक बुद्धि के बाद, स्वप्न की बुद्धि के बाद जो विवेक जागृत होता है जीव के अंदर, तो जागृत बुद्धि की ओर, हद की ऊपर बेहद जानने के लिए जागृत बुद्धि की ओर आगे चल पड़ता है। और उसके बाद जब हमारे अंदर नूर बुद्धि या निज बुद्धि आती है तो हम परम धाम तक जानने का प्रयास और मार्फत तक जानने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो ऐसे जागृत बुद्धि संसार में कब तक नहीं आई थी सुंदर साथ जी? जब सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी चौथे दिन की लीला प्रारंभ नहीं हुई थी, तब तक इस संसार में बुद्धि नहीं आई थी। तो उससे पहले जितने भी शास्त्र इस संसार में आए, जितना भी ज्ञान इस संसार में आया, वो स्वप्न की बुद्धि से उतरा। यह भी मैं वीडियो से जा रहा है, इसका भी मैं स्पष्टीकरण आज कर दूंगी, क्योंकि कोई विरोध ना उठाए। सुंदर साथ जी, सपने की बुद्धि का इसलिए कहा गया कि जो ज्ञान उतरा ये सपना के ब्रह्मांड में। सबसे पहले राज्य ने हुक्म किया अक्षर को, अक्षर के संकल्प से राज्य ने हुक्म किया अक्षर को, अक्षर के संकल्प से ये ज्ञान सदाशिव को मिला, सदाशिव से ईश्वर को मिला, ईश्वर से नारायण, नारायण को मिला, और नारायण से समाधि अवस्था में ऋषि मुनियों को वायु अग्नि अंगिरा आदित्य चार ऋषियों द्वारा ये चार वेदों का ज्ञान समाधिस्थ अवस्था में ये ज्ञान इस संसार में आया। और चार वेदों का व्याख्यान ग्रंथ जो 6 शास्त्र और उपनिषद हुआ, और उपनिषदों के बाद और कई महापुरुषों की, विद्वानों की, संत मनीषियों की विचारधाराओं ने अलग अलग कोई पुराणों की या कई धर्मशास्त्रों की भागवत गीता रामायण आदि की रचना कर दी। तो सुंदर सा जी, ये रचना द्रापर तक हो गई थी, तो द्रापर तक श्यामा जी आई। तो तब तक क्या, किस बुद्धि थी? सपने की बुद्धि थी। तो अब जागृत बुद्धि संसार में सुंदर सा जी आ गई। जागृत बुद्धि आने के बाद इस संसार में धामधनी ने बताया कि जागृत बुद्धि आई तो क्या किया उसने। इस संसार में अज्ञानतामय अंधकार वाली बुद्धि थी, किसी को हद से परे ऊपर क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और संसार शरीर छोड़ने के बाद मेरे को जाना कहाँ है, मेरे आत्मा के प्रियतम परब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको प्राप्त करने का मार्ग, आत्म साक्षात्कार का मार्ग किस तरफ जा रहा है। मैंने बोला था ना, जिस गांव की वाट लो आए थे अज गांव। तो सुंदर सा जी अब तक संसार को पता नहीं था। तो धामधनी ने वाणी में बताया कि सुखदाई सबन को अखंड करण हार विश्व बंदे अक्षर लो सुके परीक्षित को कहो विचार। बित्तक साहिब में धामधनी ने बताया सुखदाई सबन को, ये श्यामा जी आई, जागृत बुद्धि लेकर आई, तो आने के बाद क्या पुण्य मिलेगा और क्या फल मिलेगा और क्या सुख प्राप्त होगा। सबको इच्छा तो होती ने, मान लो आप यहाँ आए हो तो कोई एक आशा लेकर तो आए हो ना कि क्या मिलेगा इस संसार को। तो मैं आपकी गरिमा, मैं परसों भी बहुत विस्तार से गाई थी ब्रह्मात्माओं की गरिमा, आज मैं अलग मोड़ से बताऊंगी कि श्यामा जी इस संसार में आई तो इस संसार को कितनी बड़ी गिफ्ट देगी। इस संसार को बहुत बड़ी गिफ्ट देगी इस संसार में। मान लो आप कोई किसी के कार्यक्रम में जाते तो आपकी यथाशक्ति योग्यता के अनुसार आप गिफ्ट लेकर जाते ना, तो इससे आगे स्वर्ग या स्वर्ग के देवी देवता आते तो इस संसार के लौकिक सुख की चाहना पूरी करते, और वैकुंठ वाले आते तो और चाहना पूरी करते, उससे आगे बेहद के अक्षर आते तो और चाहना पूरी करते। लेकिन कौन आया? अक्षरा तीत की अर्धांगिनी श्यामा जी संसार में आई। तो श्यामा जी आए तो अकेले तो नहीं आती, उसके अंदर अक्षरा तीत तो बैठे ही होते, भले जाहिर बीच में बाद में हो गए, लेकिन श्यामा जी के अंदर कौन बैठे होंगे? अक्षरा तीत। श्यामा जी आई तो यहाँ धामधनी ने बताया कि परीक्षित राजा ने, ध्यान से सुनना, परीक्षित राजा ने सुखदेव मुनि को बताया, है सुखदेव मुनि, ये ज्ञान जो मैं आपको भागवत के माध्यम से कह रहा हूं, तो द्रापर में बता रहा है। कब बता रहा है? द्रापर में। हे सुखदेव मुनि बोले रहे कि परीक्षित, जो अभी मैं तो आपको ज्ञान बता रहा हूं, तो अभी तक जो जीव यहाँ साधना करते, योग करते, समाधि लगाते, या पूजा पाठ, होम हवन यज्ञ, या चार धाम की यात्रा, जो भी दान पुण्य A to Z बद्धा कर्मों जो भी कर रहे कर्मों, लेकिन इस कर्मों से जो संसार के जीव ये हद ब्रह्मांड नारायण तक पहुंचे हैं। कहाँ तक पहुंचे? फिर सुखदेव ने बताया आगे, परीक्षित को प्रश्न होता गया ने, तो फिर सुखदेव ने बताया कि हाँ, बेहद में कोई कोई वासनाएं पहुंची परीक्षित। तब परीक्षित ने पूछा कि कौन कौन वासनाएं बेहद में पहुंची? तब आगे बताया कि ऐसे वल्लभाचार्य, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ऐसे महापुरुष कई पहुंचे, लेकिन शिवजी, सनकादिक, ये सब बेहद में तो पहुंचे, हद ब्रह्मांड को छोड़ा, निराकार और नारायण को तो छोड़ा, बेहद में पहुंची। लेकिन बेहद में पहुंचने के बाद कहां तक पहुंची? परमधाम तो कोई जा ही नहीं पाता। ये वाणी इसलिए मैं बार बार कह रही हूं सुंदर साथ जी, कि जब तक ये वाणी संसार में नहीं आई थी, तब किसी ने परमधाम की ओर दिशा भी नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि धामधनी ने वाणी में बताया कि 14 तबक की दुनी में किन किया न एक हरफ, सो हरफ कैसे कहवी पाई न बक्का तरफ। ये 14 लोग की पूरे संसार में, दुनिया में किसी ने परमधाम की ओर दिशा निर्देशन भी नहीं किया था, ये वाणी नहीं आई थी तब तक। तो सुंदर साथ जी, आज हम हमारे समाज में जो भागवत का प्रचार करके या मूल, या सुंदर साह जी रेवल पर, हमारे मूल स्थान पर, चर्चा के स्थान पर, क्योंकि मैं व्यासपीठ तो कभी भी नहीं बोलूँगी, ये व्यासपीठ नहीं है, क्योंकि यहाँ की भागवत या शास्त्रों की चर्चा नहीं हो रही है, वाणी के माध्यम से उसकी प्रमाण दे रही हूँ उसका। सुंदर साह जी, तो आज यहाँ भागवत पधरा कर हम कभी भी वाणी का गुजमाइना नहीं खोल सकेंगे। तो आज वाणी को एक साइड में रखकर, वाणी को आज बाईपास कर कर, या हमारे धनी की इज्जत या गरिमा को एक साइड रखकर, सुंदर साह जी, जो आज हम भागवत का प्रचार करेंगे संसार में, तो आज भागवत किससे खुला? वाणी से खुला। मैं 3-4 दिन से प्रमाण दे रही हूँ ने कि वाणी है। तो आज हमको पता लगा कि इससे पहले हम ब्रज में थे, इससे पहले हम रास में थे, इससे पहले हम परम धाम में थे, और ये संसार कैसे बना, संसार में कौन कौन आए, कितने युग बने, कितने कितने युगों में, कौन कौन से युग में कौन कौन आए, तो ये किसने बताया? ये वाणी ने बताया। तो आज हम भागवत के प्रचार प्रसार से कभी भी सुंदर साह जी जागनी होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ सुखदेव मुनि ने बता दिया। क्या बताया? कि हे परीक्षित, अभी तक बेहद में कौन कौन गए, ये भागवत की बात है, लेकिन खोल किससे रहे, किस माध्यम से? वाणी के माध्यम से, हम धनी की कृपा के माध्यम से। परीक्षित को बताया, है परीक्षित, कोई कोई पहुंचे ऊपर। हाँ, शिव जी ध्यान अवस्था में, उसने पुराण संहिता में थोड़ा सुंदर साह जी ईश्वरबद का ऐसे ध्यान अवस्था में वर्णन किया देखा जो कुछ। ऐसे ऐसे महेश स्वतंत्र में थोड़ा वर्णन आया। तो बेहद तक शिव जी पहुँचे। शिव जी केवल ब्रह्म को, जो आप देख लेना सुन लेना सुंदर साजी, केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप सुखदेव परीक्षित को बता रहे कि हे परीक्षित, किसी ने केवल ब्रह्म को अक्षरातीत माना, किसको? केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप को, और सबलिक को अक्षर माना। तो उसके आगे सत्स्वरूप और उसके आगे दिव्य परमधाम को तो किसी को पता भी नहीं लगा। तो विचार कीजिए सुंदर साथ जी, इतने ही महापुरुष वहाँ तक पहुँचे, केवल ब्रह्म और सबलिक को अक्षर और अक्षरातीत मान लिया, उसके आगे की उसको सुध न रही। और वेदों ने भी, और वेदों के व्याख्यान ग्रंथ जो उपनिषद है, उसने भी नेति नेति न इति कर कर मौन धारण कर लिया। कहाँ पहुँच कर मौन धारण कर लिया? शून्य निराकार तक पहुंचकर मौन धारण कर लिया। उसके आगे का वर्णन वेद उपनिषद ग्रंथ भी कर नहीं पाए, क्योंकि बार बार भूलना मत, ये वाणी संसार में आई नहीं थी, इसलिए कोई वर्णन कर नहीं पाए। सुनसा जी, अक्षरातीत को शुक्रिया मनाओ, ये अक्षरातीत का बार बार थैंक्स या धन्यवाद कहो, क्योंकि धामधनी ने हमको इस वाणी के माध्यम से बताया। फिर हम आगे बढ़े तो उसने बताया कि श्यामा जी आने के बाद इस संसार में क्या हुआ। तो कि जो निंद के जीव निराकार से आगे नहीं जा पाए थे, उसकी अंदर की जो नींद थी वो अज्ञानतामय रात्रि पूरी हुई और ज्ञान का प्रकाश हुआ। और देवापी और मरु के जीव, मैंने अभी जो प्रमाण दिया ने सुंदरी इंदिरा का, उसके अंदर देवापी और मरु के जीव दोनों यहाँ देवचंद्र जी और प्राणनाथ बनकर आएंगे, दोनों रूपों में, महापुरुषों के रूपों में। और ये संसार में परमधाम का दिव्य ज्ञान जाहिर करेंगे, और इस ज्ञान से संसार की अज्ञानतमय रात्रि का नाश होगा और ज्ञान का उजाला होगा। ये प्रमाण पहले से सुंदर सा जी दिया था, और आगे भी दिया कि सुपन जीव की दृष्टि मीने न पहुँचे लगार। ये संसार के सुपने के जीव की दृष्टि आगे नहीं पहुँची थी, लेकिन श्यामा जी संसार में आई तो उसने सुंदर सा जी हद के पार बेहद, बेहद के पार अक्षर, और अक्षर के पार वतन, और मूल मिलावा तक सबकी दृष्टि और सबके लिए सुगम बना दिया। और सबको आज अपने अपना प्राइवेट अधिकार बन गया, क्योंकि 5 दिन तक तो इंद्रावती को एक 5वें दिन में, पहले दिन व्रज में एक शक्ति, दूसरे दिन प्राइवेट शक्ति, तीसरे दिन, चौथे और 5वें 6ठे दिन में सबको अधिकार मिल गया ना अपने दिल में बसाने का, प्राइवेट अधिकार मिल गया, और अपने दिल में धामधनी को प्राप्त करने का और दीदार करने का सुख मिल गया और प्राप्त हो गया। तो ऐसा सुख कभी भी संसार में मिलने वाला नहीं है। तो ये सुख को छोड़कर माया की ओर हम क्यों भागे? तो ऐसे श्यामा जी, सुंदर सा जी, जब देवापी के जीव ने जन्म लिए लिया, घर में एकलौते, एक ने एक पुत्र है, एक के एक, और 5 साल से उसके अंदर जिज्ञासा जगी। क्या जिज्ञासा? अंदर एक लगन, एक अंदर पिपासा, किसकी? एक पार ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, एक आत्म तत्व, एक परम तत्व की खोज की जिज्ञासा जगी। धामधनी ने बताया कि भया वर्ष 11वां तब मन भयो विचार, मैं कौन, कहाँ से आया और कहाँ है मेरो भरथार। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये संसार, ये शरीर छोड़ने के बाद मेरे को जाना कहाँ है, ये जिज्ञासा 5 साल से जगी थी। उसके साथ कई आदिका लीला, कई चमत्कारिक लीलाएं होने लगी शमशान में, ऐसे ऐसे निर्जन स्थानों में। सुंदर साथ जी फिर 11 वर्ष की, 11 साल की जब उम्र हुई, उसकी उम्र हुई, तो उसके बाद सुंदर साथ जी और आगे अंदर से एक लगन, प्यास जगी। क्या जगी? तो धामधनी ने वाणी में बताया सुहागनियों के लक्षण कैसे होने चाहिए, ये किसके प्रसंग है पहले भूलना मत। क्या मैं देवचंद्र जी का प्रसंग गा रही हूं? किसका प्रसंग है सुंदर साथ जी? हमारा। किसका? हमारा है तो किस पर लेना? हम पर लेना। तो उसके कितने साल की उम्र हुई? उसकी 11 साल की। हमारी कितनी हो गई? हमारे अंदर प्यास जगी जगी। ये परमात्मा कौन है, कहाँ है, जगी तो जगी लेकिन ज्ञान के माध्यम से ये भी, लेकिन इतनी लगन जगी, इतनी प्यास जगी। 11 साल की, 11 साल का कितना छोटा बच्चा होता है, निर्विकारी, उसके अंदर और तो कोई बात ही नहीं होती। इतनी छोटी उम्र में अंदर की एक अदम्य प्यास जगी। और धामधनी ने सुहागनियों के लक्षण कलश ग्रंथ में बताया, पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान, पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन, जो कदी भूली वतन तो नजर तहानी दान, पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान। सुंदर साजी धामधनी ने कलश में बताया कि पार्वतन जो सुहागनी, सुहागनी पहले कहते हैं किसको? क्या संसार के जीव को, क्या और दूसरी आत्मा को? किसको कहते हैं सुहागनी? चलो आप नहीं समझे, मैं सिंपल बातों में जाऊंगी। सुहाग जब एक पत्नी होती है, वो विधवा हो जाती, उसको सुहागनी बोलते हैं, या उसका पति हाल में होता है जीवित तभी सुहागनी बोलते हैं। उसका पति होता है तभी उसको सुहागनी बोलते। उसका सुहाग क्या है? एक सिंदूर या एक बिंदी या गले में मंगलसूत्र, ऐसे हम समझते हैं ना संसार में। मैं जहरी नहीं समझा रही हूँ, जहरी नहीं समझा रही हूँ। आपके गले में उतारने के लिए, अंदर जाने के लिए मैं और बातों को माध्यम बना रही हूँ। उसको सुहागिन नार बोलते ने। जब उसका पति जीवित नहीं होता तो उसको बोलते क्या? विधवा स्त्री बोलते ने। और जो जिसकी पत्नी चली जाती उसको विधुर बोलते। क्या बोलते? विधुर बोलते, उसको विधवा बोलते। मान लो जो जिसका पति, उसका सुहाग क्या है? धामधनी। जो जिसकी पत्नी है, जिसकी अर्धांगिनी है, हम आत्मा है, किसकी अर्धांगिनी है? अक्षरा तीसरी प्राण, श्री प्राण वल्लभ प्राणनाथ की अर्धांगिनी है, श्री राज्य की अर्धांगिनी है। तो हमारा सुहाग अक्षरातीत बनेंगे ने। तो आज सुंदर साथ जी उसके बिना हम कैसे रह रहे हैं? जो सदगुरु के अंदर बैठी हुई श्यामा जी तो रह नहीं पाई, तो वो निकल गई ने। तो उसके अंदर ये पहचान हुई, वो एक प्यास जगी कि मेरे पति यहाँ नहीं है। संसार में माता पिता तो बने, भाई बंधु तो बने, यहाँ की बहन तो बनी, लेकिन मेरे आत्मा के जो प्रियतम, ये तो मेरे सामने है ही नहीं है। तो मेरे जो सामने नहीं होता तो मैं कैसे सुहागिन नार, मैं कहने के लायक नहीं हूं, मेरा अधिकार नहीं है सुहागिन कहने का। तो धामधनी ने बताया कि आज कब, आज कदाचित आप 400 साल के बाद आज जब भूल गई हो, तो मैं आपको आज इस घंटे में, इस पल में 5:15 बजे आपको याद दिला रही हूँ कि आप सुहागिन नार हो। तो आपके पति के सिवा आप कैसे रह रही हो? जैसे देवचंद्र जी, श्यामा जी अंदर बैठी थी, सुंदरबाई स्वरूप वो खोज में निकल गए। चलो कोई बात नहीं, आपको और समझ में समझाऊँ और गहराई से। आपके घर में धामधनी स्वरूप साहिब ज्ञान के रूप में आ गए, ज्ञान के स्वरूप में। जिस घर में स्वरूप साई भी नहीं है वो तो ऐसे ही रह रही है धनी के बिना। उसका कौल फेल हाल, उसकी रहनी, उसका लक्षण कैसा होना चाहिए? धामधनी ने बताया कि रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभी न दुभावे किन। और भी बताया कि वो खोजे अपने आप को। मैंने नहीं बताया, कलश में किसने बताया? धामधनी अक्षरातीत ने, कि वो यहाँ आएगी तो सही, आने के बाद सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन आने के बाद किसको याद करेगी? अपने अक्षरातीत को। वो खोजे अपने आप को। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे में जानो। तो सुंदर साजी आने के बाद वो खोज में लग जाएगी। पहले अपने आत्म तत्व की खोज करेगी, उसके बाद अपने प्रियतम की खोज करेगी, अपने घर की खोज करेगी, और खोजे दिन आखर। कहाँ तक खोजती रहेगी? हर मत पंथों में। अभी आगे देवचंद्र जी जैसे जैसे जाएंगे ना, मेरे को कई बार कोई पूछते हैं कि दीदी ऐसा मत को कैसे बदले? संप्रदाय को थोड़ी बदलना चाहिए। ऐसे हम गुरु को कैसे बदले? गद्दी को कैसे छोड़े? हमारी गद्दी यही, हमारे गुरु यही है, हमारे संप्रदाय यही है। और मतपंथ वाले मेरे को पूछते, कई बार मैं बाहर चली जाती कार्यक्रम के लिए, तो मैंने बोला कि गुरु दत्तात्रेय, महर्षि दत्तात्रेय है, उसने कितने गुरु बदले थे? 24। जब तक सत्य की पहचान नहीं हुई तब तक खोज में लगे रहे या नहीं लगे रहे। ऐसे हमारी श्यामा जी को सत्य की जब पहचान जब तक नहीं होती तब तक लगी रहेगी ना। तो मैं हर आत्माओं को कहती हूँ कि आप गुरु में मत फंसे, गादी में मत फंसे, स्थान विशेष मत फंसे, संप्रदाय विशेष मत फंसे, सत्य के साथ जुड़े। किसके साथ? जहाँ सत्य है, जहाँ हमारी आत्मा का ठिकाना है, वही एक पार पुरुष पार ब्रह्म है। तो तहाँ तक खोज करते रहे कि अंतिम लक्ष्य, जब अंतिम उपलब्धि प्राप्त नहीं होती तब तक खोज में लगे रहे। मान लो सुंदर साथ को तो अंतिम उपलब्धि हो गई कि यही पार, यही अक्षरातीत है, यही पार ब्रह्म, यही धनी धाम है। यही कौन है? यही धनी धाम है, यही अक्षरातीत है, यही पार ब्रह्म है। लेकिन आज अनेक मतपंथों को पहचान नहीं हुई है। तो लगे रहे तब तक लगे रहे कि जहाँ तक हमारी आत्मा और परमात्मा और अपने असल निज घर की पहचान न हो तब तक वो। ऐसे श्यामा जी ने अपनी खोज प्रारंभ कर दी। कहाँ तक? कि जब तक तीसरा दर्शन नहीं मिलेगा तब तक अपनी खोज में वो लगे रहेंगे। तो उसके बाद श्यामा जी सुंदर साथ जी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते सुंदर साथ जी अपने ही गाँव में एक पिंगल श्याम की मूर्ति के मंदिर है। गांव में एक पिंगल श्याम रंग के, काले रंग के जो होते हैं ना श्याम, उसकी मूर्ति बैठाई है मंदिर में। और ये मंदिर छोटा सा है, और वहाँ जाकर अपने गांव के आसपास के इलाके में 4 साल श्यामा जी खोज करती है। कितने साल? 4 साल। 11 वर्ष की उम्र में विचार आया, 16 साल की उम्र में निकलेगी। 4 साल अपने आसपास के इलाके में वो खोज करती है। क्या खोज करती है? भूलना मत। क्या खोज करती है? मैं कौन, कहाँ से आया और कहाँ है मेरो भरथार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ मेरे को जाना है। तो सुंदर साह जी आज अलग अलग मत पंथ वाले ये बात तो करते कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अलग अलग सभी मत पंथ वाले करते हैं। लेकिन चलो मैं कौन हूँ ये तो सबको पता लग गया। भाई मैं जीव नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतस्करण इंद्रिया नहीं हूँ। मैं हूँ तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मैं अनादि हूँ। चलो ये भी बात पता चल गया। और ये भी चला गया, पता चल गया कि अजर अमर अखंड अनादि, और न जलने वाली, न शस्त्र से कटने वाली, न गिले होने वाली, पानी से ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये भी पता चल गया। लेकिन आत्मा का ठिकाना कहाँ है, आत्मा का घर कहाँ है, ये किसी मत पंथ वाले को पता, चाहे दुनिया के सभी मत पंथ ले लो। हाँ, सभी ने अपनी अपनी विचारधारा के अनुकूल, सभी ने अपने अपने धर्मशास्त्रों के आधार पर, सबने जहाँ जहाँ पहुँच थी अपने अपने महापुरुषों की, उसने जो विचारधारा चलाई और उसने बताया कि भाई हमारा ठिकाना यहाँ तक है। किसी ने स्वर्ग अपना ठिकाना मान लिया, किसी ने आगे वैकुंठ अपना ठिकाना मान लिया, किसी ने निराकार अपना ठिकाना मान लिया कि भाई निराकार ही ब्रह्म है और निराकार ब्रह्म का आकार, परमात्मा का आकार नहीं है, ब्रह्म निराकार है। और किसी ने नारायण को अपना परमात्मा मान लिया, किसी ने आगर बेहद में जाकर अक्षर को परमात्मा मान लिया और अक्षर के चार पाद के अंदर विभूति में कृष्ण तत्व की जो अलग अलग लीला हो रही है, तो किसी ने वहाँ अपना ठिकाना अंतिम लक्ष्य मान लिया और किसी ने आगे अक्षर को मान लिया। लेकिन अक्षरातीत परम धाम तक इस संसार के एक निजानंद संप्रदाय को छोड़कर ये अक्षरातीत की पार ब्रह्म की ये अखंड वाणी आने से पहले किसी कोई जान नहीं पाए कि हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। सुंदर साथ जी, तो सब ने अपने अपने मत पंथ में, तो बेचारे अनुयायी जो जिसने उस मंत्र उस संप्रदाय में अपनी दीक्षा ले ली, अनुयायी बन गए, चाहे कोई भी मत पंथ के हो, तो बेचारे क्या करे भोले भाले जीव। उसको पता ही नहीं है कि जिस गुरु ने हमको दीक्षा दी, मंत्र दिया या धर्म ग्रंथ जो विचारधारा चलाई, तो वो विचारधारा में कहाँ का ज्ञान है, कहाँ तक का ज्ञान है। वो ज्ञान पढ़ने के बाद या स्वाध्ययन या उसका मनन करने के बाद पुण्य मिलेगा और फल मिलेगा, तो कहाँ तक का मिलेगा, और वहाँ पहुँचने के बाद क्या अखंड मुक्ति मिलेगी, हमारा जीव का ठिकाना कहाँ रहेगा। ये सभी मत पंथों के धर्म ग्रंथों में क्योंकि वाणी नहीं आई थी, और आगे भी बताया कि बेचारे लोगों ने, कई संसार के जीवों ने इसलिए मान लिया क्योंकि धामधनी ने वाणी में बताया कि जो जहाँ लो पहुँचे तेती दई शुद्ध। सुख क्या कहा वाणी में, जो जहाँ लो पहुँचे तेती दई शुद्ध। जो लोग जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ अपनी सीमित मान लिया कि भाई यही परम धाम है। कोई स्वर्ग पहुँचे तो मान लिया कि यही परम धाम है, कोई वैकुंठ पहुँचे तो वहाँ अपना अंतिम लक्ष्य इतिश्री मान लिया कि यही परम धाम है। कोई इससे आगे निराकार को परम धाम मान लिया, इससे आगे किसी ने नारायण को परम धाम मान लिया, इससे आगे किसी ने अक्षरधाम के अंदर परम धाम मान लिया, किसी ने अक्षरधाम को परम धाम मान लिया। लेकिन वास्तविक परम धाम, असल परम धाम जो हद बेहद से परे है, उसके बारे में कोई जान नहीं पाया। ये वाणी इस संसार में नहीं आई थी सुंदर साथ जी। तो ये जो सभी मत पंथ वाले बेचारे खोज में तो लगे हैं, लेकिन जो दिव्य परम धाम कहाँ आया, क्योंकि प्राणनाथ जी ने बताया कि जिनको तुम सतगुरु सेवत हो तिनको इतनी पूछो खबर, ये संसार छोड़ेंगे आपन तो कहाँ है अपनो घर। जिनको आप सतगुरु के या गुरु के रूप में मंत्र दीक्षा तो लिया, जिनको आप सतगुरु या गुरु के रूप में भले ही मानो, लेकिन उसको इतना तो पूछ लो, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले भी बताया था कि शरीर का सौदा नहीं है, ये जीव का सौदा नहीं है, ये अंदर के अंतःकरण मन बुद्धि का सौदा नहीं है, ये किसका सौदा है, किसका सौदा है, ये आत्मा का सौदा है। तो आत्मा किसी के चरणों में ऐसे मत झुकाइए। आत्मा ये प्रसाद नहीं है कि अनेकों अभी बांटा जाएगा ने, ये प्रसाद नहीं है कि अनेकों को बांटा जाइए। तो परब्रह्म की एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति है। पतिवता स्त्री कुलवंती नार, हमने कल देखा ने, एक ही पति के चरणों में सिर झुकाती है। हजारों पति के या हजारों देवी देवता या हजारों भगवान या हजारों अवतार या हजारों महापुरुष या हजारों गुरु के सदगुरु के रूप में अपना सिर झुकाकर वैश्यावृत्ति कभी भी नहीं करती है पतिवता स्त्री। इसलिए प्राणनाथ जी ने बताया कि पतिवतापणे सेविए न थाये वेश्या जेम एक मुकीने अनेक भजसु तो धनी धनवट करसे। तो एक पतिव्रता स्त्री एक ही परमात्मा के चरणों में झुकती है, अनेकों को अंदर स्थान नहीं बनाती। अपने जैसे संसार में भी मान लो दो दियर होते, दो जेठ होते, दो ससुर, एक ससुर अपने, एक बड़े ससुर या छोटे ससुर होते, दो ननंद होती, लेकिन पति कितने होते? आप मत बोलिए कितने होते, कितने होते? पीछे वाले बोलिए कितने होते पति? क्या एक महिला, एक स्त्री क्या दो पति होते? सब रिश्ते दो तीन होते, लेकिन पति कितने होते? एक ही होते। भले मैं कल बताता लूले हो, पांगले हो, अपंग हो, असहाय हो, भवरोगी हो, इस तरफ मोड़ दो इस बार। भवरोगी हो, जन्म जन्म के मूर्ख हो, गरीब हो, है तो भी पतिव्रता स्त्री कभी भी दूसरे पति को और देखती भी नहीं है। तो पतिव्रता स्त्री एक मुखी अनेक को भजती नहीं है। सुंदर साथ जी, ऐसे हमारी श्यामा जी ने बताया खोज करके कि कहाँ तक खोजती रहती है कि जब तक पूर्ण पहचान अपने आत्मा के प्रियतम की नहीं होती तब तक वो लगी रहती है। तो हमको क्या करना? पता तो लग गया परमधाम को। आपको विचार उठेगा कि ज्योत्सना बहन हमको तो परमधाम का ही पता लग गया, आत्मा का भी लग गया, परमात्मा का, प्राणनाथ का भी लग गया, तो हम क्या करें? आप देखने का प्रयास करो। बोलो श्री, क्या करना आपको? राज जी को आप देखने का प्रयास करो। वो लोग बेचारा भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संसार के जीव बेचारे को पता नहीं ना, तो वो खोजने में लगे हैं। आपने खोज तो लिया, आपकी भक्ति वहाँ पूर्ण हो गई, तो आप आगे देखने का प्रयास। हमारी जर्नी अभी पूरी हुई नहीं, हम जर्नी में है, सब कहाँ है? यात्रा में है। हम यात्रा में अंतिम लक्ष्य तक अभी हम भी नहीं पहुँचे हैं। तो सुंदर सा जी, श्यामा जी, सुंदर सा जी खोज में आगे बढ़ी। तो कहाँ तक खोजती रही श्यामा जी? दिन आखिर की बात बताइए, किसकी बात है? ये हमारी बात है। किसकी बात है? हमारी। कहाँ तक हमको खोजना चाहिए? जब तक हमारी अंतिम उपलब्धि नहीं प्राप्त होती। तो सुंदर सा जी, श्यामा जी ऐसे अंदर और प्यास बढ़ने लगी पारब्रह्म, एक पारब्रह्म को खोजने की। तो एक दिन उसके पिता व्यापार करते थे, मतुमेता, घोड़े, ऊँट, ऐसे मारवाड़ में घोड़े की या ऊँट की जो लेन देन होती प्राणियों की, वो जो उसका व्यापार था उसको। तो एक दिन उसके साथ उसका कच्छ जाना हुआ। कहाँ जाना हुआ? कच्छ। कच्छ में गए, वहाँ बहुत मंदिरें, बहुत देहुरे, बहुत साधु संतों को देखा। तो वो देखकर एक बार तो वापस लौट गए, लेकिन देखने के बाद घर में आए। अंदर एक तिल्ली, एक माचिस होती ने, जिसको गुजराती में बाकस बोलते हैं, उसको हिंदी में माचिस बोलते हैं। माचिस की एक तिल्ली, एक दिवासड़ी। तो माचिस की एक तिल्ली जैसे अंदर चिंगारी लग गई। क्या लग गई? चिंगारी लग गई। अंदर चिंगारी लग गई तो अंदर की एक अग्नि दहकने लगी। क्या लगी? अंदर की एक अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो शांति से, चैन से बैठने नहीं दिया। जैसे आप अपने चूल्हे में, घर में लकड़ी जलाते हो ना, तो थोड़ी देर के बाद जब चूल्हा ठंडा हो जाता तो अंदर की लकड़ी का जलन शुरू रहता है, ऊपर राख हो जाती, अंदर का एक जलन, रेड वाला एक एरिया रहता। तो ऊपर से हमको ऐसा लगता कि वो ठंडा हो गया, लेकिन ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, राख जम गई है। नीचे क्या होता है? जलता हुआ लकड़ी, जलती हुई। तो ऐसे देवचंद्र जी के अंदर ऐसी एक अग्नि प्रज्वलित होने लगी। और सुंदर साथ जी, जब ये प्रज्वलित होती ना अग्नि, तो हमारे अंदर जन्मों जन्मांतर के संस्कार होते ने, उसको जलाने के लिए पूरी माचिस नहीं जरूरत पड़ती। एक ही तिल्ली होती ना, एक ही बाकास की दीवासड़ी होती ना। मान लो कचरे, जो कूड़े पड़े होते हैं यहाँ पूरे ढेर, तो कूड़े को, ढेर को एक ही तिल्ली लगानी पड़ती है, पूरी माचिस। एक ही तिल्ली में पूरे ढेर जल जाते ने। तो ऐसे हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार पड़े थे उसको एक ही तिली के अंदर जो चिंगारी लगी तो लगी, बस खोज में लग गए। अंदर के संस्कार जो पूर्व जन्म के थे वो एकदम निकलने लगे और पारब्रह्म की खोज की ओर आगे बढ़ने लगे। सुंदर शाह जी तो कहाँ गए, वहाँ से तो आ गए, फिर थोड़े दिन घर में रहे। फिर उसको पता लगा कि मेरे को कच्छ की ओर जाना है, लेकिन ये किसकी बात है? हमारी। हम इतने दिन सुनेंगे, घर में जाके फिर ठंडा हो जाएगा अंदर का, तो कोई तिली लगाने के लिए फिर कार्यक्रम होगा, फिर अंदर तिली लगेगी, फिर अग्नि जलेगी, फिर ठंडी होगी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। एक बार तिली लग गई ने, एक बार अग्नि जल गई ने, कभी भी बुझानी नहीं चाहिए। सुंदर शाह जी बार बार पेट्रोल डालना, बार बार घी डालना। क्या पेट्रोल? प्रेम ध्रुत लो बोलते हो ना, प्रेम ध्रुत लो, प्रेम रूपी घी। किसका घी? वो दिया नहीं मैं बोलती हूँ जो आप मंदिर में सुबह को जलाते हो। मैं बाहरी बात करना ही नहीं चाहती हूँ, मैं एक एक बात अपने पर घटाना चाहती हूँ। समझ गए मेरी बात? हम जो घर में, मेरे दादा जलाते थे घर में एक दिया घी वाला, जाहरी बात पहले मैं रख दूँ। फिर मेरे पहले परदादा जलाते थे, फिर मेरे दादा जलाते थे। एक छोटे से एक घर में खिड़की वाला एक छोटा सा होता एक कोना, उसमें एक गणेश की मूर्ति रहती थी, छोटी छोटी। बहुत टाइम पहले मैं बात करूँ, मैं छोटी थी। तो सुंदर शाह जी तभी घी का दिया जलता घर में सुबह को। ये मेरी माता जी, बूढ़ी माँ, मेरी दादी वो कर लेती, मेरी माँ नहीं करती, वो तो बेचारी खेत में चली जाती। मैं बताती हूँ, वो दिया जब जलता ऐसे मैंने देखते देखते, मान लो मेरे परदादा ने भी जलाए होंगे, मेरे दादा ने जलाया, मेरे पिता ने जलाया, आज ये परंपरा में मेरे भाई भी जला रहे, आज ये परंपरा मैंने भी पकड़ ली, तो मैं घर में भी मैं जला रही हूँ। मैं थोड़े टाइम से छोड़ दिया, मेरी सास जला रही है वो दिया। मैं समझा रही हूँ, सुनना आप, ये कोई रटा रटाई बात नहीं है, प्रैक्टिकल है, घटी घटी हुई इतिहास भी नहीं है। आज मेरी सास भी जला रही हो दिया। एक को तो घर में सेवा पूजा करनी पड़ती ना, क्योंकि परंपरा है, कैसे छोड़े। ऐसे मान लो मैं परदादा से लूँ तो कितने केजी घी खत्म हो गए होंगे, कितने केजी किलो, कितने केजी घी खत्म हो गए होंगे, कितनी रुई की दिए हम जो बनाए, वो बनाते ना हम दिवेट बनाते, वो दिवेट कितने मन रुई की दिवेट भी जला दी होगी और कितने घी जला दिए होंगे। सुंदर शाह जी ये जहरी प्रकाश नहीं करना है। किसके अंदर प्रकाश करना है? अंदर प्रकाश करना है। जहरी दीवा तो जब तक, जितने देर तक घी रहेगा ना अंदर कटोरी के अंदर, इतनी देर तक ये दिया जलता रहेगा, फिर बुझ जाएगा। अंदर का दिया जलाना, क्या दिया? वो जहरी आरती नहीं, जाहिर तो एक परंपरा से हम करते आ रहे हैं। वो दिवेट से, वो रुई से, वो घी से, ये हमारे अंतस्करण रूपी ये एक कटोरी है, उसमें प्रेम रूपी घी है और ज्ञान रूपी रुई से सुंदर शाह जी जो दिवेट जलानी है, वो दीप कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। अंतिम श्वास तक ये दिया जलते रहना चाहिए। ये ज्ञान या 18 दिन के लिए सुनने के बाद फिर बुझना नहीं चाहिए। दिया तो एक बार मंदिर में जलाओ, जाहिरी दिया करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जलाओ, ऐसा जलाओ कि दोबारा बुझे भी नहीं। बार बार सुनने की क्यों ज़रूरत पड़े? सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन जितना सुनो ये कान रस नहीं, सिर्फ आत्मरस बनाइए। क्या बनाइए? आत्मरस बनाइए। तो ऐसी हमारी श्यामा जी, सुंदर शाह जी जब खोज में निकले तो गांव के एक राजा के वजीर को पूछने के लिए, उसको पता लगा तो वजीर को पूछने के लिए गए। उसकी एक बारात जा रही थी। बारात में पहले चोर लुटारे को डकैती लोगों की डर रहता था, तो तभी वरराजा साथ में नहीं जाता, दुल्हा साथ में नहीं जाता। तभी खांडा, उसको क्या बोला है, खांडा तलवार लेकर वहाँ सा बारात में जाता, उसकी जो बाराती लोग थे वो तलवार लेकर जाते, तो उसको पता लगा तो सुंदर शाह जी उसको पूछने के लिए वजीर के पास गए। वजीर ने बोला कि आपके पास कोई साधन या सवारी है क्या? तो उसने देवचंद्र जी ने बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उसने बोला तो आपके पास नहीं तो हम आपको साथ में लेके नहीं जाते। देवचंद्र जी ने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं अपने पाँव से चला जाऊंगा। तो वहाँ भी अपनी एक दृढ़ता देखो, एक अपनी श्रद्धा निष्ठा का जो पूरा प्रसंग है ना सुंदर शाह जी, ये कोई घटनाक्रम नहीं है। देवचंद्र जी की एक अटूट निष्ठा, अटूट लगन, अटूट जिज्ञासा, अटूट पिपासा और अटूट जो प्यास है परब्रह्म को खोजने की, वो देखो। ये किस्सा, ये घटनाक्रम या वितक नहीं है। उसने क्या अंदर से एक दृढ़ प्रण ले लिया, निर्णय कर लिया कि मैं उसको क्यों पूछूं, किसी के आधार पर निस्सहाय क्यों रहूं। आपको समझ में नहीं आया, मान लो आप घर से निकले, देवपरा सोरठियावाड़ी कहाँ से निकले आप, मान लो श्रद्धा सोसाइटी से निकले, आपको रिक्शा नहीं मिली या कोई सुंदर साथ का साथ नहीं मिला, तो आपने निराश होकर वापस लौट गए घर पे कि भाई आज नहीं जाना है, चलो न आज नहीं, आज की वितक चलो ना हम लास्ट में अंतिम में सीढ़ी से सुन लेंगे। आपने तो वितक कैंसिल कर दी ने, आपका तो मिस एक क्या हुआ, मतलब आपका एक लूटा लिया ने, अपना जो आपका अंदर का एक लूटने के लिए आप आए थे ज्ञान, आपने खो दिया ने, फालतू समय में आप लूट नहीं सके ने। देवचंद्र जी ने किसी की राह नहीं देखी, अकेले यानी कैसी रात्रि में, आप तो दिन को आए हो, ऐसी भयंकर रात्रि में सुंदर शाह जी अभी निकलेंगे। वो भयंकर रात्रि कैसी है, कैसी भयंकर रात्रि है सुंदर शाह जी, मैं अभी बताऊंगी 5 मिनट में। तो ऐसे उसने एक दृढ़ प्रण ले लिया कि मैं क्यों उसको पूछूं, निस्सहाय क्यों रहूं, मेरे अंदर भी अपना बल है, स्वयं का बल है, मैं किसी के आधार पर थोड़ी जी रही हूं, मैं अपने आप चली जाऊंगी, अपने आप अपने पैरों से मैं चला जाऊंगा। देवचंद्र जी ने पक्का निर्णय कर लिया और घर में आए, माता पिता की नज़र छुपा के निकलना है। माता पिता घर में आए, अपनी साथ में लेने की जो सामग्री है, लोटा जल भरने के लिए, थाली, ऐसे लोया जो क्या होता है उसका पतीला एक छोटा सा, और पहनने के लिए 2 सूट कपड़े और ऐसे एक तलवार भी छोटी सी यहाँ कमर में खोस दी सुंदर शाह जी, अंदर एक रख दी ऐसे। और रास्ते के खर्च के लिए थोड़े से पैसे भी रख लिए। ऐसे रास्ते की मार्ग की जो तैयारियां सुंदर शाह जी वो सब कर ली, लेकिन माता पिता की नज़र छुपा के बिना कह सके, एकलौता बेटा है। ऐसे वो बाराती लोग तो 4:30 बजे निकलने वाले हैं, तो हम कितने बजे आए थे, तो वहाँ पल भी, फिर वापस भी कितने बजे जाना है, वहाँ पल भी बीती। वही पल में, वही 4:30 बजे हम परमधाम से इस संसार में आए, वही पल वहाँ बीती नहीं है, उस पल में ही वापस जाना है सुंदर साथ जी। 4:30 बजे का समय होने लगा, बाराती लोग तो निकल गए, गांव से आगे दूर भी निकल गए। देवचंद्र जी क्योंकि खाने के बाद सब लेट गए, माता पिता वो भी, पर लेकिन नज़र छुपानी है ना उसकी, वो देख रहे कि माताजी को या पिताजी को थोड़ा नींद आ जाए, सो जाए, तो उसकी नज़र छुपा के मैं निकल जाओ। देखो अंदर एक प्यास है ना, तभी संसार की परवाह नहीं करते, तब कुटुंब परिवार की परवाह नहीं करते, लौकिक रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते। जिसके अंदर एक बार लगन जगती ने, हमको क्या, कितना बहाना हमारे पास ढूंढते, हम हमारे पास कितने बहाने रहते, 18 दिन के लिए, 18 दिन के लिए वितक में आने के लिए कितने बहाने रहते। कोई तो आज आए होंगे, सुन लेना अंतिम तक, ये मेरी बात नहीं है, ये धामधनी की बात है। कोई 2-3 दिन के लिए बस व्यवहार निभाने के लिए आ जाएंगे, कोई अंतिम में भी आएगा, अभी तक कोई नहीं आए होंगे। तो अंतिम में वो भाई सोच लेंगे कि चलो 2 दिन तो चले जाए, रमेश भाई या घर परिवार को ऐसा ना लगे कि हम गए नहीं। किसके लिए आ रहे हो आप सब, अपनी आत्म के कल्याण के लिए सब आ रहे हैं सुंदर शाह जी। देवचंद्र जी ने किसी की परवाह लौकिक एक अदम्य इच्छा, अदम्य जिज्ञासा और 16 वर्ष का किशोर अवस्था है। घर से निकल गए हैं। सुंदर शाह जी अब भी निकलेगा, कभी निकलेगा, अब भी निकलेगा। किसी की परवाह नहीं करते और माता पिता की नज़र छुपा के वो बाराती लोग तो आगे निकल गए। वो उसके पीछे अपना सब सामान लिया, गठरी ली और कमर में पिछोड़ी सुंदर शाह जी, और उसमें कमर में एक तलवार भी खोस ली और निकल गए। निकलते निकलते आधी रात बीत चुकी, भयानक रात्रि है सुंदर शाह जी। इस समय संसार कैसे सोया हुआ होगा? माया की गहरी नींद में 12 बजे हम क्या करते हैं, क्या करते सुंदर शाह जी? बहुत दर्द वाली बात है। हम सब सोए होते। 16 वर्षीय किशोर को एक अंदर का ज्वालामुखी जो अंदर तक दहक रहा है, उसको किसी की परवाह नहीं है। ऐसी अंधेरी निशा, पशु पक्षी भी नहीं है, निर्जन जंगल है, वन है, कोई आवाज़ नहीं आ। रेगिस्तान की धरती, वहाँ क्या है, रेगिस्तान की पूरी मारवाड़, राजस्थान की धरती। और ऐसी अंधेरी निशा में वो निकल गए सुंदर शाह जी। संसार में ऐसे कई लोग आते हैं। आज सृष्टि के प्रारंभ से हजारों लोग आए, जन्म लिया, अपने सिर पर संसार का बोझ, परिवार का बोझ, कर्मों का बोझ ढोते ढोते, ढोते ढोते मीन्स ढोते ढोते एटले काम करते करते, अपनी भाषा में काम ढोते ढोते कर्मों का बोझ इस संसार में एक कीट पतंग की तरह, पशु की तरह चले गए। लेकिन किसी के अंदर ये जिज्ञासा नहीं जगी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए और ये घर, ये संसार छोड़कर जाना कहाँ है। ये 16 वर्षीय किशोर के अंदर कैसी जिज्ञासा जगी कि मेरे को तो इस संसार या ग्रोसी परिवार का बोझ ढोते ढोते मेरी उम्र पूरी बीत जाएगी, ये संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मैं परब्रह्म परमात्मा का प्रेम कैसे प्राप्त करूँगा, मैं उसको कैसे पाऊँगा, कैसे पालूँगा। तो ये अंदर की एक इच्छा के साथ वो सुंदर शाह जी निकल गए। रास्ते में जब तो जैसे एक धनी की राह पर एक आत्मा चलती तो उसकी देखभाल कौन करता? धामधनी ने बोला नहीं, 1 बार जीजी करो तो मैं 10 बार जीजी करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी एक आत्मा हमारी श्यामा जी सुंदरबाई रात को किसी की ओर, संसार की ओर नहीं देखा। हम तो माया की गहरी नींद में सोए हो निकल गए। और रास्ते में, आधे रास्ते में सुंदर शाह जी, 40 कोस का रास्ता है, 1 कोस 4 किलोमीटर, ऐसे 100 ऊपर इतना लंबा रास्ता किलोमीटर का है, किमी का है, इतना लंबा रास्ता तय करना है। रास्ते में बीच में जो स्वरूप सिपाही वेश में जो दर्शन देगा वही स्वरूप सुंदर शाह जी कल दर्शन देगा। लेकिन उस प्रसंग पर हमको इतनी सिखापन लेनी है कि धामधनी जैसे एक श्यामा जी के अंदर जो देवापी के जीव बैठे थे, उसके अंदर की कितनी पिपासा, कितनी प्यास, कितनी खोज, कैसे लगन के साथ हो निकले। तो हमारे अंदर आज 40-50 साल की उम्र में हम पहुंच गए। उसकी एक 1 करोड़वां भाग की एक सुगंधी अंश भी हमारे अंदर ऐसी लगन नहीं जगी है, ऐसी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है। तो उस किस्से, उस प्रसंग के आधार पर हम ये समझ ले कि हम भी धनी की ओर, पहचान की ओर आगे बढ़े। और सुंदर शाह जी कल हम प्रथम दर्शन करेंगे। इतना के करवानी को विराम देंगे। चले अति उतावले मन में पहुँचो धाय, वे अस्वार ये प्यादे क्यों कर पहुँचो जाया, क्यों कर पहुँचो जा, यो करते चले गए। बोलिए श्री प्राणनाथ सतगुरु धाम के स्वामी श्री लालदासी तीनों पुरी समस्त सुंदर बोल बोल पंजे प्रणाम।